है निफ्टी, निफ्टी बैंक पे स्ट्रेटजी, एक्सपर्ट के साथ बातचीत करूं उससे पहले, क्योंकि नीरज जी बैठे हुए बगल में, वीरू का सुबह का एक ट्वीट दिखाइए भैया। वीरू का ट्वीट, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली किसी ने कहा, और वीरू लिखते हैं नाइस आ रहा हूं मैं, छुट्टी दी क्या? अरे अरे कहा चल रहा है भैया? अरे भाई साहब ये मुंबई से षड्यंत्र जो चल रहा है ना, मैं उसको आके भेजने वाला हूँ। अरे जनाब ऐसे ही लिख दिया था मजे मजे में। नहीं हम लोग नजर रखूंगा इस पे, शादी से मनाली जाने की। ठीक अच्छा, जिसने भी इमेज भेजी मनाली बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मेरा कहने का मतलब यही था आशीष, मेरा कहने का मतलब यही था कि इस तस्वीर में समा रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। चलिए एक्सपर्ट के साथ बातचीत की शुरुआत, सबको दिखाइए स्क्रीन पे, आप सबको गुड मॉर्निंग। असित कैसे भाई झेले इस वॉलेटिलिटी को, पैसा बन रहा है क्या, और बन रहा है तो कैसे बन रहा है, क्या करना है हमको? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग विरेन जी, मॉर्निंग नीरज जी, मॉर्निंग एवरीवन जी। मेरे हिसाब से आशीष जी इंडेक्स में थोड़ा ट्रेड करना डिफिकल्ट रह सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक में एक्शन रह सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर निफ्टी के बारे में देखें, जब तक हम निफ्टी 16,120 के लेवल के ऊपर है जो कि वीकली पिवट है, मुझे लगता है कि कोई भी डिप आता है तो इस लेवल पर बाय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट फॉर टुडे टुमारो 16,120 हम ब्रीच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रेश पुट ट्रेडिंग हुआ है अराउंड 6.3 लाख, एंड इस स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर इज अराउंड 3.5। मुझे लगता है कि कोई भी डीप आएगा इस लेवल पे हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के। दैट इज हाउ वी कैन प्ले द इंडेक्स। इमीडिएटली बाय करना नहीं चाहिए, बट मेरा रुझान रहेगा कि थोड़ा भी डीप आएगा तो बाय कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे निफ्टी में तो इस डेफिनेटली फेसिंग रेजिस्टेंस बिटवीन 16,370-16,450, ये मिड बोलिंजर का लेवल है। 21 EMA में तो रिट्रेसमेंट हुआ है, 38% का रिट्रेसमेंट हुआ है। ब्रेकआउट रहेगा 16,450 के ऊपर, एंड इट विल बी कंफर्मेशन ऑफ डब्ल्यू पैटर्न 16,450-15,730 के बीच में जो रह रहा है। आरएसआई स्टील एवरेज एवरेज पीसीआर कल नीचे गया 6%, बट मुझे समय वेरी काइंड ऑफ कन्विंस की 16,120 एटलीस्ट आजकल में नहीं ब्रीच हो रहा है, और इस लेवल पे आएगा तो विल गो फॉर ए काइंड ऑफ नो बाय एंड डिप काइंड ऑफ नो स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी में सरप्राइज जोन है 34,700-34,800 के जोन पे, बट मुझे लगता है कि अगर 34,000 मिलता है या 33,900 मिलता है, मुझे लगता है कि वहां से अच्छा रिस्क रिवर्ड के पर्सपेक्टिव में वी कैन गो लॉन्ग। इट वुड नॉट बी वेरी इजी टू ट्रेड इंडेक्स टूडे, बट एट द सेम टाइम डिप आएगा तो वहां पे बाय कर सकते हैं रादर देन शॉर्टिंग द इंडेक्स। सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग द इंडेक्स। इस तरह से करना है भारतीय बाजार का अप्रोच। लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर, और आप शुरुआत कर देते हैं आज के टॉप कॉल्स की। कविता जी गुड मॉर्निंग, शुरुआत आप करिए, सबसे प्रेफर्ड ट्रेड आज का मैम। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, रेन जी, नीरज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले से एक निफ्टी अपना 38% रिट्रेसमेंट को क्रॉस किया, बट स्टिल एज लाइक अभी असित जी भी गए 16,130-16,120 ये लेवल्स को हम लोग कुछ भी देख रहे हैं, बिकॉज दैट इज द 23% रिट्रेसमेंट, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उसी को फैक्ट को ध्यान में रखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक भी देखे तो एलटी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर किए। मुझे लगता है डिप्स पर अगेन अगर आज एलटी नीचे 1620 के लेवल्स के आसपास मिलता है तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वही एक और स्टॉक सेल साइड के लिए अगर हम देखें तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के तहत रैमको सीमेंट्स देख सकते हैं। रैमको सीमेंट्स अगर कल के दिन का लो तोड़ता है, दैट इज ऑफ 672, वीकली चार्ट ये पीक क्रिएट किया है, और हम लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखे हैं डेरिवेटिव सेटअप पे। तो वंस अगर 672 के लेवल्स को तोड़ता है तो मुझे शॉर्ट साइड लगता है 645-630 के लेवल्स की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखेगा। 683 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सो रामको सीमेंट्स विल बी द प्रेफर्ड पिक फॉर शॉर्ट इन द मॉर्निंग। दोनों में से अगर मैं एक टॉप कॉल, ठीक है दोनों ट्रेड मेरे सामने, इन दोनों में से अगर टॉप कॉल के तौर पर एक दिखानी है तो आपका ज्यादा प्रेफरेंस किस तरफ, कन्विक्शन ज्यादा कहां? बिल्कुल ठीक। तो लास्ट मिनट डूबरो डिप्स में खरीदारी करने का मन, रैमको सीमेंट अगर कल के लोज को ब्रीच कर, मैं कहते हैं रैमको सीमेंट को तो हम रिजल्ट्स पे भी रिएक्ट कर रहे होंगे आज,
वो हंसते जुड़ेंगे तो नंबर्स पे बातचीत होगी, लेकिन कल के लोज ब्रीच हुए तो सेलिंग एग्रेवेट होगी, बिकवाली करने के मौके, और रामको सीमेंट दरअसल ये सेल कॉल जो है ये आज का प्रिफर ट्रेड कविता जी की तरफ से। गावा सर गुड मॉर्निंग, गावा सर क्या लाए सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 15,800 और 16,500 एक ट्रैप जोन है, यहां से निकलना जरूरी है, किस तरह भी निकले उसके बाद अच्छे ट्रेंड मिलेंगे। लेकिन स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो एक शॉर्टिंग आइडिया है और वो है बिरला सॉफ्ट। यहां पर वीकनेस नजर आती है, पॉसिबल है कि एक डाउनसाइड मिले, स्लाइड हो सकती है पॉसिबल, और लोअर लेवल देखेंगे टारगेट करीब 370 के, स्टॉक का होना चाहिए 383 बिरला सॉफ्ट शॉर्ट। वीकनेस है, खुलने दीजिएगा, बिहेवियर ऑब्जर्व करिएगा। दो चीजें हैं बिरला सॉफ्ट के साथ, एक तो इसके रिजल्ट्स पे भी रिएक्ट करना है, दूसरी इसकी बायबैक की न्यूज पे भी रिएक्ट। तो खैर वो हर्षदा के साथ उस पे जाऊंगा, लेकिन बिरला सॉफ्ट कुछ इवेंट्स पे भी रिएक्शन आने वाला है, पर चार्ट पे गावसर को वीकनेस नजर आती है। पालवे साहब क्या है आज का टॉप ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो ट्रेंड हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे वो एफएमसीजी पैक से ही हम यहाँ पे बुलिश व्यू लेके चलेंगे, और उसमें हमें एचयूएल हिंद यूनिलीवर पे बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से ये स्टॉक में लास्ट वीक में हमने देखा काफी बड़ी तेजी बनी है, और ये वीक में भी फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिल रही, कल के सेशन में भी काफी स्ट्रेंथ ये स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिली। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप है और अब एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये पूरी सीरीज में ये स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। हमें लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की, तो एचयूएल फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 2375 के आसपास कल के क्लोज है, स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 2360 का, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आ सकते करीब 2400-2410 तक के अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते, तो एचयूएल पे बाय करने की सलाह रहेगी। जी देखिए, बीते 10 दिन में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग अपर स्विंग किसी स्टॉक ने दिया है तो वो है एचयूएल, और इसमें ऑप्शन एक्टिविटीज भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एचयूएल के राजेश पलवे जी की कॉल हो गई एक्सिस सिक्योरिटीज की। महाराज गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्वेंशन ट्रेड। गुड मॉर्निंग रेन जी, तो देखिए कन्वेंशन ट्रेड एक सेल रिकमेंडेशन है अमराजा बैटरीज में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। कुछ दिन पहले हमने बाउंस बैक देखा लेकिन ये 22 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला, कल फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकडाउन देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अमराजा बैटरीज में एक सेल कॉल लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 511 रुपए के रहेंगे और नीचे की तरफ 480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अमराजा बैटरीज पर देखिए सेल है एट 498। राजेश सतपुते जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्वर्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी एक रेंज में रहेगा 16,150 से लेके 16,400, जो इसका 10 डीएमए और 20 डीएमए है, कल भी हमने इसी लेवल में देखा। तो स्ट्रेटेजी रहेगी बाय ऑन डिप की, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, स्लगिश रहेगा, तो एक नजर जो है वो रिलायंस पे होगी, क्योंकि यही है वो काउंटर जो बाजार को सपोर्ट दे रहा है, सहारा दे रहा है और बाजार को स्ट्रेंथ ताकत दे रहा है वो उसको इन पर्टिकुलर। तो रिलायंस इज अ बाय, इट इज अ बाय अबाउट 10 और 20 डीएमए, जो इसका सपोर्ट बनता है वो है करीबन 2580 का, 2600 पे पुट राइटर खड़े हैं, सो ये एक जोन बनता है बाइंग का 2580 से लेकर 2600, तो आपको रिलायंस बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 2550 यानी 2580, ये एंट्री पॉइंट पकड़ा तो 30 रुपए नीचे स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो टारगेट है जो पेंडिंग है वो रहेगा 2700-2720। ओके, रिलायंस को आपने बाय किया है, याद रखिएगा जब इस स्टॉक के बारे में कोई बाय कॉल स्क्रीन पे आए, सेल कॉल स्क्रीन पे आए, स्क्रीन पे है इस चैनल सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज रखते हैं अपने पास। तो आपसे गुजारिश है इस बात की कि इस तर्क के साथ कि राजेश जी बाय कर रहे हैं, प्लीज अपना एक निजी राय भी अपने निवेश सलाहकार से जरूर लें। चलते हैं अब असित जी के पास। असित जी बताइए, आपका स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया क्या है जब इंडेक्स बहुत एक क्लियर कट मैंडेट नहीं दे रहा है एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए, तो आप स्टॉक किसको चूज करेंगे? प्रिंस जी, मुझे समा लग रहा है कि सीमेंट पैक में थोड़ा वीकनेस रह सकता है, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में शॉर्ट जाना चाहूंगा, तो स्टॉप लॉस सिर्फ अराउंड 5950, टारगेट ऑफ अराउंड 5800, 5800 का पुट हम ले सकते हैं, तो स्टॉप लॉस ऑफ 45 और टारगेट ऑफ 80। स्टॉप लॉस ऑफ ट्रेल डेफिनेटली करना चाहिए, मार्केट कैन बी लिटिल वोलेटाइल, बट जिस हिसाब से हम देख रहे हैं 58,000 kind of no fresh call writing हुआ है versus 6 lakh kind of no put writing, put writing में conviction इतना ज़्यादा है नहीं, and 5,900 and 6,000 is definitely in a
कॉल राइटर्स ग्रेप, सो अल्ट्राटेक इज लुकिंग वीक, सो अल्ट्राटेक में शॉर्ट जाना चाहेंगे। बढ़िया, अल्ट्राटेक सेकेंड हाफ में बहुत तगड़ी वीकनेस आई थी। इनफैक्ट एक तो बढ़िया ट्रेड बनाया था कल ही, जब रचना वैद्य ने सेल कॉल दिया था और कल ही स्क्रीन पे टारगेट हिट होते हुए नजर आए थे। अल्ट्राटेक में फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। आज सुबह मानस जब जुड़े थे मॉर्निंग कॉल में, तो मानस का भी एक प्रिफर्ड सेल कॉल था ये अल्ट्राटेक, और अब असिट का टॉप कॉल बनता हुआ। रखिए स्टॉक को रडार पे, 3.5% कल कमजोर और आज भी दबाव शायद हावी होता हुआ नजर आए। कॉल रैप अप करूंगा लेकिन पहले गौरांग सर के पास जा रहा हूं। गौरांग सर, मार्केट्स की चर्चा बाद में, पहले जियोजीत में आप लोग कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हो, आपका सबसे प्रिफर्ड कॉल इस लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो आप सर? धन्यवाद आशीष, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हमने जब ये चौथी तिमाही के नतीजे शुरू भी नहीं हुए थे तो हमने एक तर्क लगाया था कि और कच्चे तेल के दाम उबल रहे थे काफी, ऑटो क्षेत्र काफी बुरी परिस्थिति में था, बाकी अन्य जो रुकावट है उसको लेकर के भी। लेकिन तभी भी हमने एक स्टॉक का जिक्र किया था ऑटो क्षेत्र में, मेरे ख्याल से करीबन 840-850 का भाव था तब, और स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। कल मेरे ख्याल से 940 के आसपास बंद हुआ है, और हमारा जो अनुमान और आकलन है आशीष, न तो सिर्फ मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स को लेकर के, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल को लेकर के, या फिर कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, या ट्रैक्टर को लेकर के, तो अगर आप ये पूरा समीकरण सामने रखते हैं और जिस तरीके से रुझान ऊपर की तरफ निरंतर आपको दे रहा है महिंद्र महिंद्र, मुझे लग रहा है ये 1150-1100 के आसपास बहुत ही धीमी अवधि में और तीव्र गति से आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो महिंद्र महिंद्र हमें अच्छा लग रहा है और हम ये कवायद कर रहे हैं खरीदने के लिए। महिंद्रा कल का निफ्टी का टॉप गेनर, 4.25% की मजबूती, और इसके पीछे एक एडवर्टाइजिंग स्टंट था गाबा सर का, वो भी रिस्पॉन्सिबल था गाबा सर। कल वो गौरांग आप पता नहीं जुड़े, आपने देखा नहीं देखा, कल वो बीच पे गाड़ी दौड़ा रहे थे थार, तो इन्होंने वो उनके मार्केटिंग पुश से कल M&M बड़ा अच्छा मूव दिखाता हुआ, और इस समय सबसे प्रेफर्ड फंडामेंटल पिक के तौर पे आप लोगों की स्क्रीन्स पर। क्विकली रैप अप कर रहे थे आज के टॉप कॉल्स, उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज हैं जिनकी चर्चा करनी है, और हर्षदा उसके लिए स्टूडियोज में पहुंच चुकी है। टॉप कॉल्स के तौर पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी कविता के साथ, तो जो प्रेफर्ड सेल ट्रेड है वो आपकी स्क्रीन पर, उनकी तरफ से रामको सीमेंट, कंडीशन कल के लोज अगर ब्रीच होते हुए नजर आ रहे हो तो सेल इनिशिएट करिएगा 684 के स्टॉप के साथ। बिरला सॉफ्ट चार्ट पे वीक नजर आता है गाबा सर को, 383 के स्टॉप के साथ बिकवाली वैल्यूएस आपको, लेकिन एचयूएल पसंद आ रहा है, इन लेवल्स पे फर्दर खरीदारी फर्दर अपमूव शायद देखने को मिले, 2360 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करें। मानस अमर राजा बैटरीज को लेकर बेरिश है, सेल कॉल 511 के स्टॉप के साथ, और दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे सतपुते साहब की फिर से खरीदारी करने की कॉल, 2550 का स्टॉप। असित कह रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में आप बिकवाली कर सकते हैं, कल शार्प दबाव शार्प प्रेशर सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद, और आज फिर शायद कमजोरी 5800 तक के टारगेट्स। और गौरान सर ने अभी भी मेंशन करा फंडामेंटल जो स्टॉक पसंद आता है सबसे प्रेफर्ड इस समय वो आपकी स्क्रीन्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी भी खरीदारी करने के मौके। स्टॉप कॉल में रिलायंस इंडस्ट्रीज मेंशन, तो ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर वाकई ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट करें। अच्छा, मैं तमाम स्टॉक्स की बात करूं उससे पहले एक काम करते हैं, कुछ रिजल्ट्स पे फोकस कर लिया जाए, उसके बाद गौरांग सर से मुझे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत भी करनी थी। हर्षदा स्क्रीन्स पे नजर आएंगी, यतिन आपको स्क्रीन्स पे नजर आएंगे जो इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट सरकारी कंपनीज के कल नंबर्स आए थे, एक तो सेल, दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत दिनों से चर्चा में, और ये डिफेंस रिलेटेड सरकारी कंपनीज सबके रडार पे, नंबर्स इन दोनों के कैसे रहे?
बीएल ने अंडर परफॉर्म किया है, सेल उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। बीएल के साथ शुरुआत करते हैं आशीष, क्योंकि स्टॉक इनफैक्ट काफी एक्टिव भी रहा है हाल फिलहाल में। दरअसल बढ़ते रॉ मटेरियल कॉस्ट इनके मार्जिन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू के आधार पर भी आप देखिएगा 8.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। बिट्टा लेवल पर 20% तक का प्रेशर बनता हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी आप ध्यान देंगे तो करीब 15% घटती हुई दिखाई दी है और दरअसल उम्मीदों पर खरे बिल्कुल नहीं उतरे हैं आंकड़े। अनुमान था कुछ दबाव आएगा लेकिन उससे खराब प्रदर्शन, मार्जिन स्पेशली वो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते खासे दबाव में आते हुए। कंपनी ने जरूर कहा है कि इनकी ऑर्डर बुक जो है वो करीब करीब 7-7.5% ग्रो होती हुई दिखाई दी है सालाना आधार पर और 57,570 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स इनके हाथ निकल कर आए हैं इस पर्टिकुलर साल के अंत तक। तो ये फिलहाल एक अपडेट निकल कर आया है बीईएल की तरफ से। दूसरी तरफ अब सेल पर ध्यान देंगे तो सेल का प्रदर्शन उम्मीद से काफी बेहतर है। रेवेन्यू का आंकड़ा सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा, 30,758 करोड़ का रेवेन्यू, अनुमान था 31,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू का, हल्का सा मिस है वहां पर। इबिट्टा लेवल पर 4,763 करोड़ का आंकड़ा, ये काफी खासा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। अनुमान के लिहाज से 3,870 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन दरअसल 15.49% पर आए हैं, अनुमान था कि मार्जिन दरअसल सिमटकर 12.29% पर रह जाएंगे। और अगर आप मुनाफे पर ध्यान देंगे तो 2,478 करोड़ का मुनाफा है, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 2,018 करोड़ के आसपास के मुनाफे की। सेल्स वॉल्यूम 4.71 मिलियन टन पर आया वर्सेस 4.8 मिलियन टन का जो अनुमान था, तो हल्का सा मिस उस लिहाज से। लेकिन हायर कोकिंग कोल कॉस्ट का इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है Q4 में, ये Q1 FY23 में दिखाई दे सकता है। और एक अच्छी जो बात है सेल के लिए वो यही है कि इनका जो नेट डेट था, याद रखिएगा 35,000 करोड़ का नेट डेट FY21 में था, FY22 के अंत में ये नेट डेट कम होकर 12,600 करोड़ पर आया है, तो वो एक एडेड इंसेंटिव है इन नंबर्स के लिए। तो बीईएल जो सब चर्चा में थे, तेजी का मूड बन रहा था, रिजल्ट डिसअपॉइंट करते हुए, और सबसे बड़ी दिक्कत मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन, जब स्ट्रीट मान रही थी कि बीईएल अपने मार्जिन्स को डिफेंड कर पाएगा। सेल का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नजर आए। रॉन्ग सर, सेल और सेल के साथ दरअसल मैं मेटल्स पे चर्चा करना चाहता था। कल हमने एक ही ब्रश से सारा का सारा मेटल स्पेस पेंट करा था, अब रिजल्ट्स अच्छे पर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी वाला मामला कैसे अप्रोच कर रहा है उस मेटल स्पेस को? कुछ डोमेस्टिक डिपेंडेंट कंपनी जैसे सेल वगैरह इन 10-10% की मीनिंगफुल नॉक के बाद एक्युमुलेट करने के मौके हैं, या अभी दूरी लगा रहे हो आप इस मेटल स्पेस से, स्टील स्पेस से खासतौर पे? आशीष, दूरी बना करके नहीं रख रहे हो, उल्टा कल जिस तरीके से हमने 10-15% के आसपास की गिरावट देखी, कुछ धातु क्षेत्र से जुड़े हुए शहरों में मिसाल के तौर पर टाटा स्टील हो गया, उसी लिहाज से हमने जेएसडब्ल्यू हिंडालको वेदांता सेल में वगैरह में काफी नीचे के तरफ पे बैठे थे। तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर जाहिर है कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, अब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहा है। एक्सपोर्ट कुछ कंपनियों के लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं होगा और नतीजों पर छोटी या मध्यम अवधि में इसका असर बिल्कुल बढ़ेगा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन सेल को तो हम दूर रख रहे हैं क्योंकि ये जब 145-160 के आसपास गया था तभी हमने मुनाफा समेट करके निकलने की राय दी थी क्योंकि हमें बहुत महंगा लग रहा था। लेकिन कल के करेक्शन के पश्चात अगर आप हमें पसंदगी के आधार पर एक सूची सामने रखे तो आप बोले तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडालको और वेदांता 1, 2, 3, 4 ये सूची है। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा आशीष के कल की गिरावट के बाद मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा गिरावट थी कल, थोड़ा संभल सकता है आज कल में स्टॉक, लेकिन बहुत ही बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस या बहुत ही अच्छे ऊपर की तरफ के दायरे आपको देखने होंगे छोटी मध्यम अवधि में, ये मुझे असंभव लग रहा है। लंबी अवधि में मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो मूल्यांकन को लेकर के काफी अट्रैक्टिव हो गए ये चारों शेयर। आप चाहे तो इन चारों में ही निवेश कर सकते हैं, चारों में से कोई एक पसंद कर ला तो टाटा स्टील सर्वोच्चम पसंद होगी। टाटा स्टील सबसे प्रेफर्ड स्टॉक होगा अगर आप इस डिप्स में कहीं खरीदारी, कहीं एक्युमुलेट करने का मन बना रहे। वो ग्राफिकली तो नहीं आएगा लेकिन जैसे कल हाईलाइट में था जेएसपीएल का काउंटर,
तो डिलीवरी परसेंटेज तो अमूमन 30% रहता है, कल भी 30% था, पर हुआ क्या था, वॉल्यूम्स मैसिवली पिकअप हुए थे, तो उसके चलते आमतौर पर डिलीवरी मार्क होती थी 20 से लेकर 30 लाख शेयर्स, कल 88 लाख शेयर्स की डिलीवरी मार्क होती हुई नजर आई है, तो तगड़ा प्रेशर बना डिलीवरी बेस्ड सेलिंग इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। खैर बाकी जब खुलेंगे मेटल स्टॉक्स तो एक्सपर्ट्स आज उस प्लेस पे तो खैर बातचीत होनी होनी है, बीएल बड़ा इंपॉर्टेंट काउंटर है, उस पर आगे बातचीत करूंगा पैनल के साथ जब हॉट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, पहले सारे स्टॉक्स निपटा दिए जाए। दिवीज लैब का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, कल रिजल्ट अच्छे आए, मजबूत था हरे निशान, वो मेरे को याद है रिजल्ट मैं ही था स्क्रीन पे 12:30 बजे, तो 2.5% तक का उछाल, वो 2.5% ऊपर वाला 9.5% झटक गया फाइनली, मतलब 12% के आसपास का स्विंग आ गया। क्या हुआ यतिन, ब्रोकरेजेस क्या करेंगे, एनालिस्ट कॉल में कुछ हुआ क्या थोड़ा? जी हाँ, हमने यस्टरडे क्लोजिंग शो में ये डिस्कस भी किया, मैनेजमेंट ने कहा कि इतना अनसर्टेन टाइम है कि हम गाइडेंस नहीं दे पाएंगे, सो मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया क्योंकि मैनेजमेंट को कोई प्रकार की विजिबिलिटी नहीं है 3-4 क्वार्टर डाउन द लाइन, क्योंकि इतने अनसर्टन ऑर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस में भी, और दूसरी बड़ी बात कि इनका काकीनाडा केपेक्स जो है, जो इनको परमिशन आनी थी वहां बहुत बड़ा डीले हो गया, क्योंकि अगर हम ग्रोथ पाइपलाइन की बात करें तो लोग ग्रोथ की बात करते हैं, और क्योंकि काकीनाडा का आपका केपेक्स अटक गया है तो कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रेंट्स आपको अगले 1-2 सालों में आते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए यहां अगर आप देखें तो काफी सारे ब्रोकरेजेस ने यहां टारगेट कट किए हैं, जेफरीज ने टारगेट लगभग 400 रुपए से काट के 3535 कर दिया है, और अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो टारगेट काट के इन्होंने 4480 कर दिया है, और जहां तक कि गोल्डमन सैक्स का सवाल है 4800 रुपीज का यहां टारगेट है, हालांकि अगर आप ईपीएस की बात करें तो गोल्डमन ने लगभग 3-8% से अपना ईपीएस एस्टिमेट काट दिया है, और लगभग उसी प्रकार का कट आपने जेफरीज में देखा है जिसने FY 23-24 का ईपीएस लगभग 6-9% से काटा है, और कंसर्न यही है कि काकीनाडा एक्सपेंशन डिले हो गया है, मैनेजमेंट ने किसी भी प्रकार का गाइडेंस नहीं दिया, और जो इनकी कोविड रिलेटेड एपीआईज है खास करके जो मोनोविप्रिल जो एपीआई है ये स्पेल नहीं कर पा रहा हूं मैं ठीक से क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जो कोविड पोर्टफोलियो है वहां भी आप देख रहे हैं कि जो पीक सेल्स हुई थी Q4 में Q3 में वो शायद आपको कम होती हुई दिखाई दे आने वाले क्वार्टर्स में। ये है होता है, मैं कितना भी याद करके आऊं ऑन एयर गड़बड़ा ही जाता है तो इसलिए अच्छा है कि ऐसे बता रहे का कि सर दर्द की दवा, पेट दर्द की दवा, दवा का नाम में घुसने का नहीं, लफड़ा हो जाता है हमेशा, ये मैंने रियलाइज किया। हर्षदा बाकी एक काम करते हैं क्योंकि आप दिवीज लैब पे भी बातचीत करने की जरूरत है, मैं जब हॉट स्टॉक से जाऊंगा तो मैंने सब मार्क कर लिए, ये बहुत स्टॉक्स अभी 5 मिनट बाद एक्सपर्ट से व्यू ले लिया जाए, पहले सारी खबरें एक साथ पिरो ली जाए, हर्षदा बाकी के वो गुड बैड अगली सारे रिजल्ट एक साथ जोमैटो के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि वही इनफैक्ट स्टॉक सबसे ज्यादा चर्चा में है, और आज इनफैक्ट नंबर के बाद 5:30 बजे एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी होने वाला है, और ये फर्स्ट इन हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस कॉल मैनेजमेंट एड्रेस करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नंबर्स पर आप ध्यान दीजिए, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में एक बहुत बढ़िया पुश देखने को मिला है, 75% तक का इजाफा देखा गया है रेवेन्यू के फ्रंट पर, क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप ध्यान दें तो 9% तक का इजाफा है, लेकिन लॉस 3 गुना बढ़ता हुआ, सालाना आधार पर आप देखेंगे जो इस क्वार्टर में लॉस आया वो करीब करीब 369 करोड़ के आसपास आया है, पिछले साल एक एक्सेप्शनल आइटम पिछले क्वार्टर एक एक्सेप्शनल आइटम था 315 करोड़ का, तो अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस को एनालाइज करते हैं तो इतनी खराब स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन जो इंटरनल्स है उस पर ध्यान दीजिएगा, एवरेज मंथली जो ट्रांजैक्शन है वो दरअसल 9.8 मिलियन से बढ़कर 15.7 मिलियन के आसपास आ गए हैं, ये एक अच्छा संकेत है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का जो आंकड़ा है वो 5,850 करोड़ पर रहा है, यानी कि 77% ऑन एन एनुअल बेसिस बढ़त देखने को मिली है, क्वार्टरली करीब 6% तक का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी कह रही है कि इन्होंने दरअसल अपने जो मार्केटिंग स्पेंड्स है वो करीब 14% घटाए हैं, उसके बावजूद इनके बिजनेस में ऑर्डर वैल्यू में इजाफा देखने को मिल रहा है। 300 नए शहरों में दरअसल जोमैटो ने एंट्री की है, अब 1,000 से ज्यादा शहरों में इनकी प्रेजेंस है। मैनेजमेंट ने इनफैक्ट अपनी कमेंट्री में ये कहा है कि इस समय प्रायोरिटी रहेगी हर बिजनेस में ग्रोथ दिखाने की, जो फूड डिलीवरी है, डाइन इन सर्विसेज है और हाइपोप्योर का बिजनेस है, हर बिजनेस में ग्रोथ पर फोकस है, साथ ही साथ इंक्रीज प्रॉफिट और रिडक्शन इन बर्न रेट पर दरअसल कंपनी का फोकस रहेगा, रिडक्शन इन लॉसेस लार्जली ड्राइव किया जाएगा, कैसे इनके कंट्रीब्यूशन मार्जिन फूड डिलीवरी बिजनेस में बढ़ते हैं उस लिहाज से, तो ये फिलहाल इनकी प्रायोरिटी एरियाज रहेंगी। ऑफकोर्स कंपनी ने यूनिट इकोनॉमिक्स के डिटेल्स नहीं दिए हैं, ना ही ब्लिंकिट को लेकर एक्विजिशन होगा नहीं होगा उसके डिटेल्स दिए हैं,
हाँ ये जरूर कहा है कि आने वाले समय में कंपनी कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करती हुई नहीं दिखाई देगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जोमैटो की तरफ से आई है। तो वो स्टॉक इनफैक्ट आज रेडार पर रहेगा पहले। इसके अलावा रैमको सीमेंट मिस है, हर पैमाने पर मिस है। नेट प्रॉफिट 42% घटा है, एबिटा लेवल में 34% की गिरावट, रेवेन्यू महज 5% बढ़ता हुआ, वो भी यहां पर अनुमान से काफी कम आंकड़ा आया है, और मार्जिन 17.27% पर रहे हैं। अनुमान था कि 17% पर आएंगे, सिर्फ मार्जिन मीट कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन को, बाकी सभी पैमानों पर निराशाजनक परफॉर्मेंस। शिल्पा मेडिकेयर का एक अच्छा तिमाही साबित हुई है, रेवेन्यू में 63% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिएगा एबिटा लेवल पर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी ग्रो होती हुई दिखाई दी है। कंपनी ने अपने एपीआई बिजनेस को शिल्पा फार्मा लाइफ साइंसेज में ट्रांसफर करने का प्लान बना लिया, और शिल्पा लाइफ साइंसेज का इवेंचुअली एक आईपीओ भी आता हुआ दिखाई देगा। बिरला सॉफ्ट भी रेडार पर रहेगा, डॉलर रेवेन्यू करीब 2% बढ़ा है इस क्वार्टर में, साथ ही साथ प्रॉफिट में करीब 17% तक की वृद्धि देखने को मिली है। Q4 में जो डील विंस रही है वो हेल्दी है, करीब $222 मिलियन के आसपास, लेकिन एक याद रखिएगा बायबैक का भी ऐलान कंपनी ने प्लान किया था, तो 390 करोड़ का एक टेंडर बेसिस पर एक बायबैक आएगा। कंपनी ने वो प्राइस दरअसल ₹500 प्रति शेयर तय की है, तो वो स्टॉक रेडार पर क्योंकि एक प्रीमियम पर वो बायबैक आता हुआ दिखाई दिया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस खराब परफॉर्मेंस, नेट प्रीमियम अर्न 7,296 करोड़ पर आया, सिर्फ 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। अंडरराइटिंग लॉस बढ़ गया करीब 2.5% से, आफ्टर टैक्स जो लॉस है वो करीब 550 करोड़ के आसपास आया है, और एडजस्टेड कंबाइंड रेशियो ज्यादा कुछ ग्रो होती हुई नहीं दिखाई दी है। दरअसल हेल्थ मोटर और मरीन सेगमेंट में लॉसेज इनके बढ़ गए हैं। ग्रेफाइट इंडिया का भी आप देखिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा, 49% की ग्रोथ है, इबिट्टा लेवल पर 13% तक की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन लगातार घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समय था कि कंपनी 20% के आसपास के मार्जिन दिखाती थी, वो Q4 तक घटकर 10% पर आ गए हैं, वो एक मेजर नेगेटिव है। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट काफी बढ़ गया है, वो भी मार्जिन्स पर प्रेशर डाल रहा है। और नीलकमल फाइनली रेडार पर रखेंगे नंबर्स के लिहाज से, प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 48% घटी है, रेवेन्यू में सिर्फ 9% तक का इजाफा देखने को मिला, इबिट्टा लेवल पर 35% तक की गिरावट, और मार्जिन्स भी 11% से घटकर 7% पर आ गए हैं। तो कमजोर तिमाही नीलकमल के लिए। बहुत सारे नंबर्स रखे रेडार पे, लेकिन जोमैटो पे तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ गई है यतिन, पसंद नंबर्स आ रहे हैं कि बस बहुत पिट गया इसलिए तेजी आएगी तेजी। जैसे कि हर्षदा ने कहा ये इवनिंग को कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो वहां रेटिंग्स रिव्यू होंगी, टारगेट रिव्यू होंगे, लेकिन जो ब्रोकरेज ने रिजल्ट्स पे कमेंट्री की है वो ठीक ठाक है। सोशल मीडिया पे एक बड़ी टर्मिनोलॉजी चल रही है कि जोमैटो सस्ता हो गया क्या टोमैटो से, तो ये जो चीजें हैं वो लग तो नहीं रही ब्रोकरेज रिपोर्ट देखे, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट है, यहां टारगेट है 135, और यूबीएस का भी ओवरवेट है, टारगेट है 130। मॉर्गन स्टैनली का कहना यह है कि जो पहले क्वार्टर की आउटलुक है और जो ट्रांसपेरेंसी से ग्रैनुलर डेटा कंपनी ने प्रोवाइड किया अपने प्रेजेंटेशन में वो सराहनीय है। इनफैक्ट अगर ये कंपनी एग्जीक्यूशन सही तरीके से मीट करे तो हाई एक्सपेक्टेशंस को भी ये मात दे सकती है। यूबीएस का भी यही कहना है कि जो ब्लिंकिट रिलेटेड एक्विजिशन के अनाउंसमेंट्स हैं, कंसोलिडेशन है, किस हिसाब से उस कारोबार को ये मर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, ये आज के कॉन्फ्रेंस कॉल में की क्वेश्चन रहेगा मैनेजमेंट को, और पोटेंशियल एक्विजिशन से लेके जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उसके बारे में आज कॉन्फ्रेंस कॉल पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जो अर्निंग्स हैं उसको लेके सेटिस्फाइड है ब्रोकरेजेस, हालांकि ये शाम को जो कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाला है वहां आपको पता चलेगा असली धमाल क्या हो रही है। चलिए कुछ ही दिन पहले वीरू हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, जोमैटो पहला वो स्टॉक स्कैम था हमारा, जिसमें एक सबसे बड़ी चिंता यही थी जब से लिस्ट होंगे तब से मैनेजमेंट नजर नहीं आता, एनालिस्ट से बातचीत नहीं करता, इतने क्वार्टर से नंबर्स आ रहे हैं पता नहीं चल रहा क्या स्ट्रेटजी है, क्या मन है, डिस्क्लोजर्स कम होते हैं, समझ में आता नहीं है, बड़े बड़े नामों से खेल लिया जाता है जीएमवी वगैरह से, उसी में हमें खुश होना पड़ता था। आज फाइनली रूबरू होंगे 5:30 शाम, 5:30 शाम। तो चलिए उस कॉन्फ्रेंस कॉल का बेसब्री से इंतजार करिए, ब्रोकरेजेस 130 और 135 के टारगेट के साथ। इस तो गौरव सर से बातचीत करूंगा आगे, पहले इस समय हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई, आज दो लिस्टिंग्स हैं, लिस्टिंग पे तो बाद में जब 10 बजे होगी तब आस्था से जानेंगे, इफ्स एंड बट्स लगा के बातचीत करने का मतलब नहीं, कहां लिस्ट होता है उसके बाद व्यू जान लिए जाएंगे। आज डिलीवरी और वीनस पाइप्स की लिस्टिंग है, लेकिन आज से एक आईपीओ खुलने जा रहा है एथर इंडस्ट्रीज का, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, 610 से 642 रुपीज का प्राइस बैंड, 808 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना।
एक स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर। आज तक वीकली पैसा कमिट करूं या नहीं? गुड मॉर्निंग आशीष, सब्सक्राइब की रेटिंग है, कंपनी काफी ज्यादा सॉलिड लगती है, स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इनकी एक तो कॉम्पिटेंसीज काफी स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली ये 8 केमिस्ट्रीज में कॉम्पिटेंसीज रखती है, जहाँ की यूजुअल स्पेशलिटी केमिकल सिर्फ एक या दो केमिस्ट्री में काम करती है पूरे एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए, ये 8 केमिस्ट्रीज में काम करती है, तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। दूसरी तरफ R&D फोकस है, तीसरी तरफ जिस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, बेसिकली ये इंडिया में तो ओनली मैन्युफैक्चरर, वर्ल्ड लेवल पे भी ये बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं 4MEP, NODG, DBL, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली 4 साल पहले की बात करें तो 100% इम्पोर्ट होते थे, लेकिन अब इंडिया में बनने लगे हैं, तो काफी सॉलिड है, एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी अच्छे हैं, तो काफी अच्छी कंपनी लगती है। सबसे बड़ी बात है आशीष, ग्रोथ बहुत सॉलिड है, CAGR ग्रोथ 2019 से 2021 49% के आसपास रेवेन्यू में अपने आप में दर्शाती है कि कंपनी आगे भी जाके बहुत बढ़िया ग्रोथ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान सॉलिड है, सब्सक्राइब करने की रेटिंग है। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो अगेन, क्योंकि अभी मार्केट इतने वॉलेटाइल चल रहे हैं, और हम अभी लास्ट 2-3 इश्यूज में पूरी हमारा स्टैंड है कि मार्केट फेवरेबल रहे तो लिस्टिंग गेन्स भी बढ़िया होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है, और मेरे हिसाब से लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब का कॉल एथर इंडस्ट्रीज। बेसिकली माइंड से आगे बातचीत होगी, आज तो खैर स्पेशल रेस्टोरेंट में बात करनी, कल कोशिश करता हूं एथर के मैनेजमेंट को लेकर आएंगे इसी शो में 10 बजे। आस्था थैंक यू, 10 बजे आपसे मुलाकात होती है सुबह, जब वो लिस्टिंग हो जाएंगी, और डिलीवरी की लिस्टिंग सिर्फ दिल्ली वाले वरी करें कि पूरा देश चिंता करे, डिस्काउंट पे लिस्टिंग होगी, कितने डिस्काउंट पे होगी, सब पे बातचीत आस्था के साथ, तो फिर हम लोग की रणनीति क्या होगी वो आगे जब लिस्टिंग होगी प्री ओपन के बाद, तब उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हॉट स्टॉक्स का स्टिंग दिखा दीजिए स्क्रीन पे, और बेगाल से बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हॉट स्टॉक्स कंटिन्यू करेंगे अपन प्री ओपन के बाद भी आज। सबसे अच्छा गौरांग सर, क्योंकि आज जोमैटो बहुत चर्चा में है, पसंद आ रहा है ब्रोकरेजेस को, 130 135 भाई 50-60 का माल, इतने ऊपर के टारगेट तो लाल जा रहा है हम रिटेल का मन, लेकिन अप्रोच कैसे करें, है तो 350 करोड़ का लॉस। अरे ऐसा होता है क्या कि भीड़ में जब मुक्के पड़ते हैं ना, तो 5-10 मुक्के के बाद पता नहीं चलता बाकी मुक्कों का दर, तो हम भूल गए हैं क्या कि लॉस मेकिंग कंपनी है, आप खरीद रहे हो क्या जोमैटो को? तो पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं कि बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, और लक्ष्य करीबन 140-150 के आसपास का रखा, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और आईपीओ के समय भी हमने आईपीओ में निवेश की राय दी थी, आईपीओ 76 के आसपास था, उसके बाद जाहिर है कि न्यू एज कंपनीज, यूनिकॉर्न कंपनीज ओल्ड एज कंपनी बन गई, क्योंकि कमन सभी न्यू एज कंपनियों की पिटाई हुई है पिछले कुछ महीनों में जो भी लिस्ट हुए हैं आशीष, तो अच्छा तो लगता है, लेकिन मुनाफे में आने के लिए मेरे ख्याल से काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी, और आज शाम जो आप कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग होगा उनकी बातें सुन। जोमैटो पर देखें गौरांग जी का व्यू था। खैर अब हम प्री ओपन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा क्रिटिकल सेशन, मिक्स्ड अगर आप देखें यहां पर रुझान है, और डाउ फ्यूचर्स जरा आप एक बार देखते हैं एग्जैक्टली थोड़ा सा वहां से क्या इस वक्त निकल के आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स 137 पॉइंट नीचे, स्टिल अगर आप देखें करीब 150 पॉइंट का नुकसान, मोर देन आई थिंक आई मीन लेस देन 0.5%। किन फैक्टर्स पे, किन स्टॉक्स पे नजर रहेगी, जोमैटो जो डिस्कस हुआ अगर आप देखें उस पर नजर रहेगी, मेटल्स कल क्या आप देखें स्ट्रॉन्ग सरफ देखे गए उस पर नजर रहेगी, साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज BEL जहां पे अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं रही उस पर नजर रहेगी, और सेल जो मेटल्स का नतीजा है उसमें अच्छी एक नजर रहेगी। एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें एक 18% नीचे है, कॉस्पी पैक फुट पे 1% नीचे है, सेंगल फग आप इस वक्त समझ लीजिएगा कि 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो रेस्ट ऑफ एशिया बहुत अच्छा रहा, देखें दाज में ट्रेड नहीं कर रहा है, लिविंग स्ट्रेट टाइम्स जो कि इस वक्त फ्लैट है स्लाइटली विद अ पॉजिटिव बायस, हर निशान में है ये। और एक दो स्टॉक्स जिन पर नजर रहेगी याद रखिएगा, आज रिलायंस कैसे स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो ये निफ्टी की मदद करता है नहीं कर पाता है उस पर नजर रहेगी, और बाकी याद रखिएगा कल एक बहुत अगर आप देखिए क्लोजिंग के वक्त हमने पूरे के पूरे डिफेंस स्पेस में अच्छा मूव देखा था, HAL ने अपने करियर का हाई लगाया कल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी जरा एक बार प्री ओपन को देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट टेक्स के मुताबिक लगभग
706 अंकों पर, सेंसेक्स ऊपर 54902। जो मेरे को बहुत क्लियरिटी अगर आप देखें निफ्टी के लेवल्स पर नहीं मिलती है तो मैं थोड़ा डाइवर्ट कर जाता हूं सेंसेक्स की तरफ। 215 अंक नीचे फिलहाल 15996 का अगर आप देखें 1.5% नीचे का शुरुआत टिक है। शिल्पा मेडिकेयर राजेश जी लगभग 464 पे 54 रुपए ऊपर 13% की मजबूती दिखाता हुआ, दैट्स गुड। बात करने के कुछ मिला हमें राजेश जी के साथ। बाकी दिवीज लैब लगभग 3% ऊपर इस वक्त, वाइल्ड है एक्शन याद रखिएगा। दानी पावर और मिनरल इंडस्ट्रीज ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बड़ा वाइल्ड स्विंग दे रहे हैं, लेकिन अब मैं अपने आपको अगर मात्र इंडेक्स तक सीमित रख के बात करूं तो स्ट्रेंथ कहां नजर आ रही है, दिवीज बजाज ऑटो कोटक महिंद्रा बैंक विप्रो अठारह स्टील, ये अगर आप देखें कुछ पुल बैक देते हुए, लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा वाइल्ड नजर आ रहा है। मैं काम करता हूं उसको इस बातचीत को यहीं पर स्थगित करता हूं। आशीष और नीरज जी की टीम लेके आई है आज, राजेश जी आपकी स्क्रीन पर टीम रख रहे हैं, आशीष की टीम में आप देखिए कॉम्बिनेशंस क्या है, नीरज जी की टीम में कॉम्बिनेशंस क्या है, आपको भेज दिए गए थे, आपने आई थिंक एनालाइज कर लिया होगा। डॉक्टर साहब प्लीज टीम्स लेके आइए स्क्रीन पर। आशीष की टीम में आपका प्रिफर्ड शिल्पा मेडिकेयर है, इसमें से क्या पिक करेंगे और नीरज जी की टीम में से क्या पिक करेंगे, एक एक प्रिफर्ड कॉल। विनय जी देखिए शिल्पा मेडिकेयर ये टेक्निकली अच्छा लग रहा है, मुझे पता था शिल्पा में बात होगी। दो काउंटर्स आशीष जी की टीम में इसलिए मैंने चुने हैं, शिल्पा ऑन स्टील एक्सचेंज, एक कॉन्ट्रा एंड एक ट्रेंडिंग। देखिए शिल्पा मेडिकेयर इन पर्टिकुलर अगर यहाँ पे आप बात करें तो मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होना चाहिए 450 to 460, 408-410 के आसपास है, तो यहाँ पे बाय होगा तो वो एक है। और जो दूसरा थोड़ा सा अथॉरिटी लेके मैं यहाँ पे और एक चीज बोलूंगा कि स्टील एक्सचेंज आप देखिए 138 के आसपास है, टेक्निकली यहाँ पे आपको वीक ट्रेंड दिखेगा लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। सो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है 138 से तो कॉन्ट्रा ट्रेड है, तो आपको बाय करना है लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 132 का, और जो टारगेट बनता है वो रहेगा 155 to 160। सो इट्स ए कॉन्ट्रा सेटअप जो है स्टील एक्सचेंज इंडिया में। तो आशीष जी की टीम में शिल्पा मेडिकल जो मुझे था आने वाला है तो उसको एक रखा था मैंने, और स्टील एक्सचेंज। और नीरज जी की टीम में देखिए अगर आप देखें ओवरऑल ऑटो सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है, मारुति देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, लेकिन यहाँ पे एक नजर टाटा मोटर पर भी होनी चाहिए। टाटा मोटर का स्ट्रक्चर बढ़िया है, 418 के आसपास इसका 400 DMA है, तो 421 के आसपास इसका कल का क्लोज है। कल का जो था इट वॉज अ पॉज डे, मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट पेंडिंग है वो रहेगा 435 to 440। सो जो भी डिप मिलेगा उसमें बाय करें टाटा मोटर 410 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आशीष जी की टीम में रहेगा स्टील एक्सचेंज एंड शिल्पा मेडिकेयर, और नीरज जी की टीम में टाटा मोटर, सब बाय है। ये रखिए स्टॉक्स रडार पे। अच्छा वीरू कह रहे थे आशीष जी की टीम में आपको शिल्पा मेडिकेयर पसंद है, आपकी प्रिफर्ड कॉल क्या है, तो ऐसी वो चल आपने क्यों देखे कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो अब वो मूवमेंट करते होंगे शिल्पा मेडिकेयर पसंद है। आशीष मुझे पता था ये आने वाला है, जब मैंने पहले टीम में नाम देखा शाम को जब मेरे रिजल्ट देख लेते तो ना भी होता ना टीम में तो आपके पास आता जरूर। बहुत दिनों बाद रडार पे आया शिल्पा मेडिकेयर, और इसमें तो खैर एक वैल्यू अनलॉकिंग भी हो रही है, अपने एक आम को आईपीओ लाकर लिस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट से ज्यादा शायद उसका भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हॉट स्टॉक्स कंटिन्यू करिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिन पे बातचीत करनी है। कविता जी ने बीएल बहुत अच्छा राइट, गाबा सर ने एचएल राइट कराया था कई दिनों तक, कविता जी ने बीएल रह के रिकमेंड करा था, बहुत बढ़िया मूव आया बीएल पे। पर कविता जी आज तानी थोड़ी कहानी बदल रही है, कल रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, तो एक डिसअपॉइंटमेंट नंबर्स पे आज शायद लाल निशान में, कैसे अप्रोच करोगे बीएल को, पलटा तो कितना डाउनसाइड रिस्क खुलता है, बिकवाली करने के मौके हैं या दरअसल गिरावट में आप फिर से बाइंग इनिशिएट करना चाहोगे? आशीष जी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर बीएल का देखेंगे तो इट सीम्स वेरी सॉलिड वेदर ऑन द वीकली और डेली चार्ट। एज लाइक हम कल भी कमेंट किए थे कि 230 एक इमीडिएट सपोर्ट है जब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप बात कर रहे हैं, सो लॉन्ग टर्म चार्ट स्टिल पॉजिटिव है। यूजुअली बीएल जिस तरीके से मूव देता है ये एक या तो साइडवेज होके अच्छे से स्विंग देगा एंड देन अगेन करेक्शन भी एक साउंड करेक्शन देता है एंड दिस पर फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज करता है। सो एज लाइक अगर चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो 230 के नीचे अगर ये स्लिप करता है तो इट हैज पोटेंशियल कि नीचे 226 के लेवल्स की तरफ फर्स्ट सपोर्ट इसका दिखेगा। सो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं तो माइट की आज इस पर थोड़ा सा दबाव हो, ये 226 to 224 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि डिप्स पर इसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर कोई रुकावट कर रहा है तो अंतिम अंडर 214 के लेवल्स 210 के लेवल्स नहीं टूटते हैं, वहां डिप्स पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देखना है।
चाहिए। के बीएल आपके स्क्रीन पे लॉन्ग के कैंडिडेट्स की बात करते हैं कुछ। हमारा जी सुबह आज मनाली की बात हो रही थी, मौसम बड़ा अच्छा है वहां पे और कल इन होटल साहब की कॉल भी थी, कल बड़े क्रिटिकल एवरेज को रीगेन करके क्लोज हुआ है, आपकी राय इस स्टॉक पे क्या होगी? आज स्ट्रेंथ अगर है तो प्ले करना चाहेंगे इसको आज? बिल्कुल लेना चाहेंगे। देखिए उसका रीजन ये है कि बॉटम फॉर्मेशन आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है, 100 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रांग बॉटम बनाया है, कल 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुए और मेरा समझना है कि शायद आज 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके करीब 240-242 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करेगा, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 226 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके 226 का अगर देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा गौरांग जी की M&M कॉल थी, लेकिन याद रखिएगा कल हम स्कॉर्पियो की अगर देखें जिसको डिस्कस भी कर रहे थे और गैंग्स ऑफ थार प्रकाश का अवसर का डिस्कस कर रहे थे, कल ये स्टॉक जैसे कि मैं क्लोजिंग भी कह रहा था कि शायद हम जब कल मॉर्निंग में होंगे तो कल ये मैं क्लोजिंग में कह रहा था कि इस स्टॉक के बारे में जरूर बात कर रहे होंगे। याद रखिएगा इसका ऑल टाइम हाई है 980 और इसकी एक्टिविटी चार्टिकली बहुत स्ट्रांग है। राजेश पालवी जी इसमें कोई ऑप्शन अगर नेक्स्ट मंथ का ग्रिप करना हो, क्योंकि अब हमारे पास यहां पर अगर आप देखें इस महीने में बची नहीं है वैल्यू, कौन से स्ट्राइक पे आप फोकस कर रहे हैं? रोलओवर्स देखिए, चार्ट्स की प्लेसमेंट देखिए, इवेंट्स जिस तरीके से प्लेस्ड है उनको देखिए, कौन से स्ट्राइक पे फोकस करें इसकी? मिथुन जी जिस तरीके का सेटअप है हमें लगता है ये स्टॉक 1000 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा और स्टॉक में जिस तरीके से थ्रू आउट द सीरीज एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल कैरी करना चाहिए और यहाँ पे रोल ओवर एक्टिविटी में भी हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे डेटा शिफ्ट होते हुए दिख रहा है तो यहाँ पे 950 की स्ट्राइक पे फोकस करना चाहिए जून सीरीज में जो कि अभी 42 के आसपास है। हालांकि वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी सी लो होगी बट जो सेटअप बने हमें लगता है कि वो स्टॉक में 950 की कॉल ऑप्शन को अगर राइड करें जून सीरीज के लिए तो भी ये स्टॉक में हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होगा तो ये कॉल ऑप्शन में एक अच्छे रिटर्न बनते हुए दिख सकते हैं। तो M&M पे हमारा व्यू भी बुलिश है और अगर हम रिकॉल करें तो हमने इसको मई सीरीज का सितारा स्टॉक में भी M&M सीरीज के शुरुआत में रिकॉर्ड किया था तो उसी तरीके की कंटिन्यूटी यहाँ पे देखने को मिल रही है और हमें लगता है 1000 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी अगले कुछ ट्रेडिंग। अच्छा एक बार आप एक काम कीजिए हेवेल्स लेके आइएगा, एक लॉन्ग के और एक शॉर्ट के प्रेफर्ड कैंडिडेट की बात करूंगा मैं, हेवेल्स लेके आइए। आपकी स्क्रीन पर देखिए 1250 एक तिहाई फीसदी ऊपर है। प्रकाश सर हेवेल्स को कैसे अप्रोच करेंगे आप? 1250 चाहती के लिए आप देखें ये पिछले कुछ दिनों से एक पुलबैक पोर्ट में, प्लीज कैमेस्टिक चार्ट रखिएगा, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? कोई ट्रेड विजिबल है आपको इसमें? देखिए हेवेल्स का जो चार्ट है उसके हिसाब से कंसोलिडेशन में चल रहा है, लो लेवल्स 1200 और 1250 1260 तक के कंसोलिडेशन जोन पर है, खरीदने की जगह बाई मोड पर तो है, खरीदने की जगह अच्छी हो जाती है, कंफर्मेशन हो जाता है जब 1270 पार कर लेता है। एक बार 1270 पार हो जाएगा खरीदना चाहिए स्टॉक को, अपने मिलेगा 1300 पॉसिबल है, फिर 1300 एक बार चला जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर और अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक कंफर्मेशन की जरूरत है कि वो 1270 पार कर देगा हेवेल्स और उस समय स्टॉप होना चाहिए 1245 पर हेवेल्स। अब एक बात करता हूँ शॉर्ट ही के कैंडिडेट के बारे में, मंगल का दिन है, एक चीज को अवॉइड करना चाहिए और वो है मैकडॉनल्ड्स, लिखा है स्क्रीन पर और कल मानस जी ने इसी व्यू के साथ की एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, इट्स अ ब्रेकडाउन केस, इसको शॉर्टिंग का कैंडिडेट मान के चलना चाहिए। मानस अभी भी आप उस व्यू पे कायम है, 4 रुपए नीचे खुलेगा अभी, फर्दर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज इस स्टॉक में? बिल्कुल देखिए अगर 4 रुपए नीचे खुलेगा तब तो इसका मतलब है कि फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है और अब शायद आपको 760-750 तक के स्तर में देखने को मिल जाएंगे, तो अगर 4 रुपए नीचे खुले तो भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 790 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, पहला टारगेट 750 रुपए का रहेगा, उसके नीचे फिसला तब शायद गिरावट और बढ़ती हुई दिखेगी। ओके तो इस स्टॉक पर नजर रखेंगे। शुभम अग्रवाल और समित चौहान दो खास मेहमान और जुड़े हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। शुभम गुड मॉर्निंग। शुभम आप किस स्टॉक को आज चेज करेंगे बताइए आपका व्यू? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आज का जो पिक है मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो इंडिगो पे पिछले 4-5 दिनों से काफी अच्छा लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहा है और कल फाइनली हमने देखा कि इसमें मार्जिनली पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी आता हुआ दिखा है, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और हमें बाइंग आता हुआ दिखना चाहिए। तो इंडिगो का 1740 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है लगभग 27.50 रुपए पे कल क्लोज हुआ था, इस पे खरीदारी की राय है, लक्ष्य होगा 40 रुपए का, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 20 रुपए पे, तो आज इंडिगो पे खरीदारी की राय। ओके इंडिगो पे अगर आप देखें खरीदारी की राय है, कल
ये सचिन जी का भी लॉन्ग ट्रेड था, अच्छा स्वीप दिया था इसने। समित मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन व्यू क्या है किस स्टॉक पे, किसको चेज करेंगे आप आज? देखिए मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट तो एक रेंज में है, बट स्टॉक स्पेसिफिक ये रुझान थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। हाँ, पेट्रोनेट पे हमारी नजर है क्योंकि काफी टाइम के बाद अगर लगभग 10-12 महीनों का इसका प्राइस एक्शन देखे तो जब भी ये स्टॉक 200 डे एवरेज के आसपास आ रहा था स्ट्रगल कर रहा था और वहां से करेक्शन आ रहा था। काफी टाइम के बाद ये स्टॉक ने 200 डे एवरेज लास्ट वीक एक कन्विंसिंगली ब्रेक किया, औसत वॉल्यूम से ज्यादा इसके वॉल्यूम हो चुका है और 3 दिनों से ये लगातार उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, यहाँ से ये स्टॉक उसका आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू रखेगा। कल थोड़ी इसमें हल्की मुनाफा से हुई है हायर लेवल से, बट हमें अभी भी ये स्टॉक स्ट्रक्चरली अच्छा लग रहा है इसलिए हम इसको एक पोजिशनल बेट भी के ये भी देख सकते हैं। 217.8 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएटली अगर 2-3 दिनों की बात करें तो 235 का टारगेट होगा, बट एक आध 2 वीक की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 240-45 तक भी ऊपर की तरफ रुक कर सकता है। ओके, बढ़िया ट्रेड्स आपके पास आते हुए। इंटरग्लोब एविएशन, पेट्रोनेट एलएनजी जोड़ दीजिए स्टॉप कॉल्स की लिस्ट में जो आज के एक्सपर्ट्स के प्रेफर्ड पिक्स हैं। एकदम फ्लैटिश नोट के साथ हम लोग आज सेशन की शुरुआत करेंगे। तो एसजेएक्स निफ्टी जो थोड़ा बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा था वो धीरे धीरे फिजल आउट हो भी रहा था खैर, और हम एकदम सिर्फ 10 पॉइंट के उछाल के साथ 16225 के लेवल्स पर निफ्टी में शुरुआत। निफ्टी बैंक एक शेड थोड़ा सा वीक, लाल टिक्स होंगे दरअसल, पर वो फ्लैटिश ही कहिए। 25 पॉइंट का दबाव 34223 के लेवल्स। ब्रेथ पॉजिटिव साइड पे 5:2 का रेशियो, एक दो गिरेंगे तो 5 स्टॉक ऐसे होंगे जो शुरुआती टिक्स में शायद आपको मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। वीरू कंटिन्यूस सेशन तो शुरू होने वाला है, किन लेवल्स पर नजर रहेगी आज के सेशन के लिए? आशीष देखिए, मैं अपनी रणनीति के मुताबिक पहले तो वेट करूंगा, इमीडिएटली ट्रेड्स पर जंप नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देखें यहां पर अलग है। रिलायंस जो है वो 2600 के एक पुट राइटर के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो प्लस अगर आप देखें कल बैंक निफ्टी का हायर लेवल से रिवर्सल, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। डाउ फ्यूचर्स 155 पॉइंट नीचे हैं और बाकी कल स्ट्रेंथ रही थी डॉलर इंडेक्स से, आप देखें नीचे 102 की ट्रेजेक्टरी में। आई थिंक मैं वेट करूंगा कि कैसे हम बिहेव करते हैं 16166 16110 अपने इस जोन के ऊपर। याद रखिएगा कल 16100 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, करीब करीब 1.25 करोड़ पुट यहां पे खड़ी हुई है, तो इस ओपनिंग के बाद मैं वेट करूंगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, प्लीज निफ्टी बैंक का लेवल लिखा है स्क्रीन पर। ये पुट राइटर के कन्विक्शन जोन यानी 34,000 34,100 34,200 पे, जहां पे करीब 34,000 की स्ट्राइक पे करीब 20,49,000 पुट खड़ी है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी भी है। तो आशीष आज मैं यही कहूंगा कि थोड़ा वेट कीजिए, वेट के बाद शॉर्ट और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। क्लियर कट मैंडेट अभी इंडेक्स नहीं दे रहा है इस रेंज में, करेंगे क्लियर कट मैंडेट नहीं। शुरुआत होनी चाहिए सेशन की, किस तरह से पैन आउट होता है उस पर इवेंचुअली कॉल। लेकिन शुभम ये आज तो खैर सब लोग बहुत कीनली वॉच आउट करेंगे मेटल स्टील स्टॉक्स का बिहेवियर। कल अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग क्या ऑब्जर्व करा डेटा में आप लोगों ने? आज शेड ऑफ ग्रीन है या एटलीस्ट वो सेलिंग प्रेशर अपडेट होने के इंडिकेशन आ रहे हैं। कोई ट्रेड, कोई रणनीति, कुछ ओवरनाइट स्टडी कुछ कहती है क्या मेटल्स पे? आशीष जी गुड मॉर्निंग। मेटल्स पे कल जिस तरह से हमने ओआई एडिशन देखा है मैक्सिमम स्टॉक्स में, और उसमें से टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील एंड पावर, ये सारे स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन है। तो मुझे लगता है कि अगर आज यहाँ पे कोई मार्जिनल पुलबैक भी आ रहा है तो उस पर हमें खरीदारी नहीं करना चाहिए, और इनफैक्ट अगर थोड़ा और उछाल आता है तो बिकवाली की सलाह होगी। तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, बट अगर जस्ट इन केस 1,007 के आसपास टाटा स्टील आता है तब वहां पर फिर से एक बार बिकवाली की सलाह। बिल्कुल ठीक। तो दरअसल ऊपरी स्तरों पे वापस सेलिंग का प्रेशर ग्रिप कर सकता है वो रणनीति। खैर खुलने जी देखते हैं दरअसल बिहेवियर कैसा है। कल के सारे अच्छे अपमूव्स को रिवर्सल की तरफ ले जा रहे हैं यूएस के फ्यूचर्स। डाउ 0.5%, एसएनपी अब ऑलमोस्ट 1%, नैसडैक 1.5% की कमजोरी के साथ। तो कल अच्छा सेशन, 600 पॉइंट डाउन ने मोमेंटम दिखाया, कुछ हद तक हमने डाइजेस्ट ऑलरेडी किया था और आज सुबह फ्यूचर्स ने बचा कुचा सारा हिसाब किताब बराबर।
बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, 10-12 पॉइंट का उछाल, वो भी ठंडा पड़ता हुआ, किसी वक्त लाल निशान में स्लिप हो गए कल के लेवल से नीचे 16200 के आसपास के जोन्स पर अब हम शुरुआत करते हुए, दरअसल 16200-210 का जोन। तो कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द एक फ्लैट ओपनिंग इस समय देखने को मिल रही है। टिक बढ़िया आता हुआ एकदम से 230-235 के लेवल स्क्रीन पर, 225 ठीक है। निफ्टी बैंक बिल्कुल कामनेस के साथ शुरुआत कर रहा है एकदम फ्लैट, निफ्टी आईटी फिर वीकनेस, 1/4% की कमजोरी के साथ यहां पे कामकाज होता हुआ, लेकिन निफ्टी अभी वोलेटाइल सेटल नहीं हो पा रहा, 200 के आसपास फ्लर्ट करता हुआ ही आपको इस समय नजर आएगा, 16200 के आसपास के लेवल। ये डॉक्टर साहब ने आके इंडेक्स भी क्विकली सेक्टोरल दिखा दिए, निफ्टी बैंक की तरह निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स एकदम फ्लैट, मेटल्स दिखाइए, ऑटोज दिखाइए प्लीज साथ साथ। अरे कल के तगड़े प्रेशर से कुछ हद तक एकदम फ्लैट है कह लीजिए, 1/4-1/3% के ही उछाल के साथ मेटल स्टॉक्स या इस समय कामकाज करते हैं। ऑटोज स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर रहे हैं, एटलीस्ट अब तक तो सेक्टोरली उसी पॉकेट में परफॉर्मेंस है, 0.5% के फिर उछाल के साथ ऑटोज में कामकाज। निफ्टी 50 लेकर आइए 16240 के आसपास के जोन, तो अब हम एटलीस्ट कल के क्लोज से और 16200 के ऊपर कुछ हद तक कंफर्टेबली ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में एकदम से स्लिप हो गए इसलिए मेंशन कर रहा हूं। मिड कैप स्मॉल कैप्स क्विकली उनका बिहेवियर दिखाइए, मिड कैप्स 1/3% के उछाल के साथ, स्मॉल कैप्स 0.5% का अपटेक, ब्रेथ 1:2:1, तो एक गिर रहा है दो स्टॉक मजबूत, तो जितने शेयर अब तक ट्रेड हो रहे हैं 2/3 इन ग्रीन इस समय आपको नजर आएंगे। छोड़े जा रहा हूं निफ्टी 50 को 250 के लेवल्स पर, 16250 1/4% का उछाल, निफ्टी बैंक दरअसल ट्रैक्शन पिकअप कर रहा है फ्लैट से, अब 1/3% का उछाल निफ्टी बैंक पे देखने को मिल रहा है। 50 स्टॉक्स दिखाइए 245-250 के लेवल्स पे निफ्टी छोड़े जा रहे हैं, 50 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस 2/3 स्क्रीन इन ग्रीन नजर आएगी आपको। क्या क्या चल रहा है, मेटल्स टाटा स्टील नजर आ रहा है, गौरांग की पहली प्रेफरेंस थी कि अगर गिरावट में कुछ खरीदना टाटा स्टील, कमोडिटीज ओएनजीसी 1.5% का उछाल, ऑटोज में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स फिर मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए, एक और कंफर्ट रिलायंस टॉप गेनर्स की लिस्ट में नजर आ रहा है 3/4% की मजबूती के साथ रिलायंस शुरुआत करता हुआ, हैवीवेट एसबीआई भी 0.5% से ज्यादा का उछाल, एचडीएफसी में 0.5% का उछाल, मैं सिर्फ हैवीवेट मेंशन कर रहा हूं, एचडीएफसी में 0.5% का उछाल, लास्ट नेट टूब्रो 1/3%, एचडीएफसी बैंक हरे में 1/3 से 0.5% का उछाल, तो एचडीएफसी बैंक का फ्लैट धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, किसी वक्त लाल निशान में वो भी स्लिप होता हुआ नजर आएगा। तो ये है तस्वीर कुछ हेवी वेट्स की, लेकिन ऑटोज का आउट परफॉर्मेंस सिलेक्टिव कमोडिटी प्लेस बेहतर करते हुए इस समय आपको नजर आएंगे। दबाव में क्या है, दबाव में HUL 0.25% की कमजोरी, TCS या IT का प्रेशर, TCS इंफोसिस दोनों दिग्गज लाल निशान में शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, बजाज फिनसर्व लाल निशान में शुरुआत कर रहा है, ITC वीक खुलता हुआ 1/3% के आसपास का दबाव, तो ये वो इंपॉर्टेंट हैवीवेट जो दबाव बनाते हुए, पर मोटा मोटी हम 240-250 के जोन के आसपास निफ्टी पे सेटल होते हुए। रिलायंस अब 1% की मजबूती की तरफ बढ़ चला है, रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रडार पे, ये सतपुते साहब का आज का प्रेफर्ड पिक था और रिलायंस पे काफी तक दारोमदार ऑफलेट बाजार का है भी। खैर वो एक्सपर्ट्स व्यूज जानेंगे, वापस सेक्टर्स दिखाइए उसके बाद वीरू के पास चला जाए। तो हम 45-50 पे छोड़ के गए थे 225 के आसपास के जोन्स पे निफ्टी, वापस वो फ्लैट टेरिटरी पे आता हुआ, निफ्टी आईटी की वीकनेस बढ़ रही है, वो टीसीएस लोअर पायदान पे, वो इंफोसिस वीक, निफ्टी आईटी अब 2/3% का दबाव, यही दिक्कत कर रहा है क्योंकि बैंक तो अभी भी 1/3% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए, तो आईटी की वीकनेस थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती है। दरअसल ये दो इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज पॉकेट्स हैं और उसमें एक भी अगर डिसअपॉइंट करे तो दिक्कत हो जाती है। हम फ्लैट हो चुके हैं 225 के आसपास के लेवल्स वीरू, 225 निफ्टी पर और 350 निफ्टी बैंक पे। आईटी की वीकनेस वही 0.5% से 2/3% के आसपास। ओपनिंग कैसी लगी और वायदा में किस तरह का परफॉर्मेंस इस समय? ओपनिंग आप देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी है आशीष, और आपको लॉन्ग शॉर्ट स्विंग मिल रहे हैं, बट एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न, जहां तक इंडेक्स का सवाल है, अभी भी हम 10 डेमा से इवन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, याद रखिएगा, लिख कर रख लीजिए चाहे तो, और वो है 16239, दिस इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी एक अपर स्विंग जनरेट करने के लिए टुवर्ड्स 310, टुवर्ड्स 366 और टुवर्ड्स 405, यानी करीब 405, बहुत जरूरी है कि हम 5 मिनट चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे एक
टाइम स्पेंड करें 16,240 के ऊपर। रिलायंस मददगार है, अच्छी बात है, और मेटल्स आज सिंक नहीं कर रहे हैं कल के हॉरर शो के बाद, दैट्स गुड। लेकिन आशीष 240 के ऊपर 10 डे एक्सपीरेशन एवरेज के ऊपर निफ्टी का सस्टेन करना बहुत जरूरी है, और रिलायंस जो है वो एक सुरक्षित दूरी बनाता हुआ कहां से, अपने 2600 के पुट राइटर के जोन से। निफ्टी बैंक में आज आशीष ज्यादा दमखम नजर आ रहा है, और एक होता है ना अप्रोच करने की टेंडेंसी, किसी एवरेज पर जाके बिहेवियर, निफ्टी बैंक का बिहेवियर 34,404 पे इट्स बेटर देन आई थिंक निफ्टी टुडे। तो मैं बैंक निफ्टी पर नजर रखूंगा, लेकिन याद रखिएगा क्राइटेरिया निफ्टी बैंक को लॉन्ग करने का वही रहेगा। वी डोंट हैव लूजर इन निफ्टी बैंक राइट नाउ। आईसीसी, एचडीएफसी बैंक, कोटक, महिंद्रा बैंक, एसबीआई ऑल ऑन द गेनर्स साइड। आशीष इससे अच्छी खराब दिखे तस्वीर नहीं हो सकती, लेकिन लेकिन 34,500 के कॉलेक्टर के ऊपर के जोन के ऊपर लॉन्ग करेंगे राइट नाउ। यह है इंडेक्स पर मेरी अप्रोच। निफ्टी अगर आप देखें 16,244 पे अब उस जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अशोक लेलैंड स्ट्रॉन्ग, वेदांता स्ट्रॉन्ग, कोरोमंडल स्ट्रॉन्ग, सन टीवी स्ट्रॉन्ग, जेके सीमेंट अगर आप देखें अच्छा पुल बैक देता हुआ, बैकफुट पे बीएल, दिवीज, लैपमैक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और वर्लपूल और एबर्ट इंडिया और कोलगेट, ये कुछ बैकफुट पे आकर ट्रेड करते हुए। याद रखिएगा मोमेंटम के लिहाज से अगर आप देखें तो इट्स रिलायंस, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक जो कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हुआ 1310 पे। अच्छी अगर आप देखें आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और साथ ही साथ आपका रिलायंस की। शुभम, स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर तो अच्छा लग रहा है, बताइए क्या चीज करना चाहेंगे आप? वीरेंद्र जी, ओपनिंग के बाद एक सेक्टर जो काफी पहले भी स्ट्रांग रहा और आज भी स्ट्रांग है वो है ऑटो, और मुझे लगता है कि ये ऑटो स्पेस में से अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पे बनता हुआ कल दिखा था, हालांकि कल थोड़ा सा फिर एंड में सेल ऑफ आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि आज यहाँ पे फिर से फॉलो अप बाइंग आता हुआ दिखेगा टाटा मोटर्स पे। तो टाटा मोटर्स का एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है, मतलब 420 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उस पर खरीदारी की राय है, अभी लगभग 8.75 रुपए के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 5 रुपए पे, और अपसाइड में 16 से 18 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो टाटा मोटर्स का 420 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। ओके, टाटा मोटर्स का 420 का कॉल, ठीक है, पहला ट्रेड गया है हमारा 8.90 रुपए पे, ये दिया है शुभम जी ने, ठीक है। ओके, मानस आपका पहला ट्रेड क्या होगा? तो देखिए पहला ट्रेड ग्रासिम होगा, ग्रासिम में एक सेल रिकमेंडेशन है। देखिए ग्रासिम में करीब 5-6 सेशन से हम देख रहे थे 1445 के आसपास सपोर्ट ले रहा था स्टॉक, लेकिन अब 1445 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं, तो ग्रासिम में यहां पर वीकनेस देखने को मिल सकती है, इसलिए यहां पर एक सेल रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉसेस 1460 के ऊपर के रहेंगे और 1410 तक के टारगेट आप देख सकते हैं। ओके, इस बीच बैंक्स धीरे धीरे सबसे अच्छी पॉकेट वही परफॉर्म करती हुई, कोई इंडसइंड बैंक, कोई एक्सिस बैंक, कोई कोटक बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक, सब आधे से 0.25% के मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक दिखाइए 34,450 के अब हम ऊपर ट्रेड करते हुए, 2.5% की उछाल के साथ निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ, बढ़िया मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स पिकअप करते हुए। इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी दिखाइए, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड भी अब अच्छा मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है, एचडीएफसी लिमिटेड भी मेरे 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ। देखिए बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल पॉकेट ये इस समय बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रही है। बाकी एक्सपर्ट से कॉल्स पे जाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मार्क करना जरूरी है। जोमैटो स्क्रीन्स पे दिखाइए, रिजल्ट्स अच्छे, रिजल्ट्स के इंटरनल्स अच्छे, और दूसरा मैनेजमेंट की रिजल्ट्स में कमेंट्री, और उसके बाद आज शाम को 5:30 बजे जो पहली कॉन्फ्रेंस कॉल लिस्टिंग के बाद कर रहे हैं, इन सब का इंपैक्ट है। जोमैटो 7.5% मजबूत, पेटीएम कल के ऑप्टिक्स को और फॉलो थ्रू देता हुआ 2.5% का उछाल। शिल्पा मेडिकेयर अपने नंबर्स, अपनी वैल्यू अनलॉकिंग प्रपोजिशन के चलते 11% इस समय बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो स्टॉक्स प्रेशर में आ रहे हैं, रूपा एंड कंपनी, जिसके एमडी साहब, जिसके सीएफओ साहब का इस्तीफा, नंबर्स अपने आप में कमजोर, 16% का इन डेवलपमेंट्स पे नॉक झेल रहा है। नीलकमल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन शार्प है, 6-7% का दबाव, बीईएल 3% दबाव के साथ, ये भी नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है। खैर और भी रिएक्शंस बाद में, पहले और एक्सपर्ट्स के अब कॉल्स ले लिए जाए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक मैंने कहा था जो चर्चा में आए थे हम लोग की, उन पे बातचीत। अच्छा एक इस बीच दिवीज लैब को प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा,
लास्ट मैंने देखा था दिवीज लैब का प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ रहा था, दिवीज लैब अभी भी 2.5%, कल 11.5-12% घूमने के बाद 9.5% दरअसल परसेंटेज वाइज फॉल, उसके ऊपर फिर दिवीज लैब और फर्दर सल्क करता हुआ। इसमें गौरांग सर के पास जाऊंगा लेकिन पहले टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ट्रेड ले लिए जाए। सतपुते साहब ने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करा है? सतपुते साहब, आशीष जी देखिए ट्रेड तो था महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, लेकिन गावा जी ने जब बीच राइड लिए उसके बाद जो महिंद्रा एंड महिंद्रा चल रहा है तो ऑन क्रेडिट कोस्ट टू गावा जी, तो मैं इस पे नहीं कॉल दूंगा, लेकिन काउंटर बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से बैंकिंग पे थोड़ा सा यहाँ पे आज फोकस करूंगा मैं, और इसमें कोई पर्टिकुलर अच्छा दिख रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैं वॉच कर रहा था वो था 1840, और एग्जैक्टली इसी लेवल से कोटक महिंद्रा बैंक पलटा है। कल बाजार में प्रेशर था उसके चलते ये थोड़ा सब्ड्यूड हुआ, लेकिन ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है। इसका टारगेट जो होना चाहिए इंट्राडे वो रहेगा करीबन 1880 से लेकर 1910 का, तो एक बड़ा टारगेट अनफोल्ड हुआ है। सो 1860 के कोटक बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 1840 के नीचे। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक आपको डिसेंट लगता हुआ, और कोटक महिंद्रा बैंक जी हाँ डे आई पर 1865 पे बदर कोटक का चार्ट लेके आइएगा। यस, दी हाई 1865 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और ये मेरे ख्याल से जो हाईएस्ट लेवल है 23 फरवरी के बाद का। कविता जी आपका ट्रेड क्या होगा बताइए। सो ब्रेन जी, चंबल फर्टिलाइजर्स इज लुकिंग गुड। चंबल फर्टिलाइजर मुझे लगता है अगर 414-12 की रेंज में मिले तो इसे डिप पर बाय करना चाहिए। 424-428 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा, एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 405। अच्छा ओआई गेन हुआ है अराउंड 7.5% का, और प्राइस राइज भी दिख रहा है 3%, मुझे लगता है एक्सटेंड होते हुए दिखेगी आपको लेवल ऑफ 428। 414 के लेवल्स के आसपास इसे बाय करनी। क्या पूरे पूरे फर्टिलाइजर पैक में अच्छा मूव आता हुआ आज के सेशन में, वो टिकर टीम नीचे सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपके लिए मार्क करती हुई, लेकिन सबसे प्रेफर्ड ट्रेड आपकी स्क्रीन पर चंबल फर्टिलाइजर तेजी का मन 405 के स्टॉप के साथ बाइंग इनिशिएट करें। समीत, ओपनिंग के बाद रात पे कुछ आ रहा? देखिए आशीष, कोरोमंडल इंटरनेशनल काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये हम लगातार 880-885 के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। स्टॉक में यूनो रिसेंटली जो मार्केट में हमने उठक पटक देखी उसमें ये स्टॉक में कुछ भी यूनो ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ा, और ये इसका जो आउट परफॉर्मेंस है अभी भी कंटिन्यू रख रहा है। आज न्यू हाई से ये ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी उसकी काफी अच्छी हुई है रिसेंटली, तो हमें लगता है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है कंटिन्यू रहेगा, और बहुत जल्दी ये स्टॉक 4 डिजिट में भी आ सकता है। तो 933 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह होगी, इमीडिएटली 990 का टारगेट होगा, बट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हमें लगता है कि ये स्टॉक 1020-1040 के लेवल भी दिखा सकता है। सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स अब ग्रिप में आते हुए हमने चंबल का ट्रेड राइड कर रहे हैं, और साथ में जोड़ दीजिए उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल भी, ये दोनों स्टॉक्स हो गए एक प्रेफर्ड प्लेस हमारे एक्सपर्ट्स के। पालवे साहब क्या पकड़ा ओपनिंग के बाद, कोई प्रेफर्ड ट्रेड इस समय? तो आशीष जी, अशोक लीलैंड पे फोकस है। अशोक लीलैंड का अगर हम सेटअप देखें तो एक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है। 140 के लिए एक हर्डल है और ऑलमोस्ट उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखा, हमें लगता है ये स्टॉक में ब्रेकआउट आज के सेशन में बिल्कुल बनते हुए दिख सकता है। तो अशोक लीलैंड पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी, 140 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 138 रुपए का, और अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें करीब आना चाहिए 146 तक के। तो अशोक लीलैंड यहाँ पे अभी ओपनिंग के बाद हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे। और अपडेट देना चाहूंगा, जो हिंद यूनिलीवर हमने मार्केट ओपन के पहले दिया था उसमें स्टॉप लॉस ओपनिंग के साथ ही ट्रिगर हो गया, तो वो ट्रेड क्लोज है। दरअसल निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा, रिलायंस और बैंकिंग स्टॉक्स ये अभी भी थोड़ा संभालने की कोशिश करते हो, अदरवाइज बाकी का बाजार बहुत ठंडा। ये देखिए निफ्टी फ्लैट, इनफैक्ट लाल टेरिटरी में स्लिप होता हुआ। कुछ स्टॉक्स मेंशन करता हूं, देखिए इनहेरेंट वीकनेसेस। पालवे साहब ने एचयूएल की बात करी, बिल्कुल ठीक, 3% एचयूएल इस समय दबाव झेलता हुआ। डायरेक्टर क्विकली इंटरनेट चार्ट फायर करी गए इनकी। एचयूएल के साथ दिवीज लेबोरेटरीज कल के प्रेशर पे 3.5% और दबाव, ग्रासिम 2.5% कमजोर, एचयूएल ने ब्रिटानिया टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी एज अ स्पेस एशियन पेन जोड़ दी जो उस कड़ी में सब वीकनेस, ग्रासिम अल्ट्राटेक प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए, एफएमसीजी में जोड़ दीजिए आईटीसी जो हमने स्क्रीन पे शुरुआत में देखा था, नेस्ले ऐड कर दीजिए, सीमेंट में श्री सीमेंट जोड़ दीजिए, तो खास तौर पे ये एफएमसीजी पैक, सीमेंट पैक,
फार्मास्यूटिकल, डिवीज लैब के अलावा सिप्ला वगैरह, ये सिप्ला में भी अब अच्छी खासी कमजोरी ग्रिप होती हुई, ये सब प्रेशर में। और निफ्टी अब 16200 के नीचे, निफ्टी बैंक वो 34460-70 के जोन पे जाते जाते अब 34400 के अब नीचे स्लिप होता हुआ ब्रेथ स्क्रीन पर आएगी। वन फॉर वन, ये देखिए शुरू हुआ था दो बढ़ने वाले एक गिरने वाला, अब पिक्चर हो गई है एकदम वन फॉर वन की, और धीरे धीरे किसी भी वक्त ये ब्रेथ जो है वीकनेस की तरफ आपको जाती हुई नजर आएगी। निफ्टी बैंक सारे गेन्स वाइप आउट करने की तैयारी में, निफ्टी 1/4% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ इस समय के टॉप लूजर्स भारतीय एयरटेल, वेटेज इलाज बता रहा हूं, भारतीय एयरटेल स्क्रीन पर आना चाहिए, प्रेशर माउंट होता हुआ लास्ट इन टूबरो पर दबाव बढ़ रहा है, कुछ हैवी वेट वीरु, लेकिन कुछ कहना चाहते हैं वीरू, मामला गड़बड़ाने लगा है तो आशीष है। हाँ, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है आशीष, मैंने कहा था आई मीन निफ्टी को हम 16240 के ऊपर नहीं स्टैंड कर पा रहे हैं, और दूसरी बात यह है जो माइलेज निफ्टी बैंक क्रिएट कर रहा था वो कहां से कोलैप्स हो गया, एग्जैक्टली कॉल राइटर के जोन से एक स्विंग मिला, लेकिन आप देखिए 34500 से वो कॉल राइटर के जोन से आप देखें रिवर्सल आ गया। तो ये दिन इतना अच्छा नहीं है इंडेक्स ट्रेड के लिए पर्याप्त, अगर आप देखें इतना प्लीज निफ्टी बैंक का चार्ट लिखें, जो बात में कहता था ना कि अगर ट्रेड लेना होगा शॉर्ट कवरिंग बाजार में जनरेट होगी तो वो होगी थ्रू बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी वहीं से घूम गया। चार्ट रखिए निफ्टी बैंक का स्क्रीन पर टुडे, वो देखिए जैसे ही कॉल राइटर के जोन पे गया वहां से घूम गया। मानस ने आशीष ट्रेड लिया था ग्रासिम का शॉर्ट कॉल, आई थिंक मानस की वो कॉल का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट हिट हो गया, तो मैं अपडेट करना चाहता हूं कि ट्रेड्स आपकी ग्रिप में है तो प्लीज कवर भी कीजिएगा। क्यों ग्रासिम का जिक्र करना इसलिए यहां पे बहुत जरूरी है, वो ये है कि ग्रासिम ने अपने 8 मार्च के लो को रिविजिट कर लिया। मानस इट्स बेटर टू कवर या फिर अभी ओपन छोड़ेंगे आप? देखिए इंटरडे सेशन में इतना आज बढ़िया अगर इंटरेस्ट मिले तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मैंने 1410 के टारगेट दिए थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, तो मैं आई थिंक प्रॉफिट बुक करना बेहतर रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर ये 1400 के नीचे जाएगा तो फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और उस केस में 1340 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर नजर रखिए, लेकिन इंटरडे के लिए प्रॉफिट बुक करना बेहतर रहेगा। इसलिए प्रॉफिट्स बुक करना जरूरी है, और एक और चीज याद रखिएगा अगर आप यहां पर शॉर्ट है तो प्रॉफिट्स को बुक कीजिए, ये अपने 8 मार्च के लोज को रिविजिट करता हुआ। एक स्टॉक और लिखा है ये दिवी आशीष ने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया 3720, हमने कल बात ही की थी कि 3800 की कॉल पे आपको इस पर राइड करना चाहिए। एक स्टॉक और लिखा है ये जुबिलेंट फूड वर्क्स, और मेरे को एक फीलिंग सी ऐसी आ रही है पता नहीं क्यों कि इसके लिए अगर आप देखें बड़ा कोलैप्स करने वाले होगा। शुभम इसकी 470 की पुट ऑप्शन लेके आइए प्लीज, JBFL की अगर आप देखें आपकी, अगर आपके पास 470 की पुट हो मनस क्या ये शुभम क्या कहेंगे जुबिलेंट फूड्स की 470 या फिर 450 की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए, इंट्राडे में ग्रिप में आएगी? विनिंदर जी बिल्कुल, ये एक काफी वीक स्ट्रक्चर रहा है और आज फिर से एक प्राइस ब्रेकडाउन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक पुट खरीदना चाहिए, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में लिक्विडिटी नहीं है तो करंट एक्सपायरी का ही पुट खरीदना पड़ेगा, तो मैं एट द मनी के आसपास ही रहूंगा। 470 का जो पुट है लगभग 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पर खरीदारी किराए है 5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस हम इसके लिए मेंटेन कर सकते हैं, और अपसाइड में 14 रुपए तक का टारगेट इस पुट ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है, तो 470 का करंट सीरीज का पुट ऑप्शन के साथ एक ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। ये पुट ऑप्शन अगर आप देखिए 6.20 रुपए पे स्क्रीन पे गई 470 का पुट ऑप्शन, अब जुबिलेंट फूड्स जो है वो डीलो पे ट्रेड करता हुआ, और एक और चीज याद रखिएगा स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर मेंशन है ग्रिप करके रखिएगा, और इसका जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो है प्लेस्ड करीब 490 का स्क्रीन के लेवल पे, तो प्लीज उसको थोड़ा सा माइंड कीजिएगा। आशीष ओवर टू यू प्लीज। दिक्कत ठीक है, ये बढ़िया स्टॉक्स की मार्किंग हो गई, सारा गांव एक तरफ, गाबा सर का एमएनएम एक तरफ, अभी भी आज फिर निफ्टी का टॉप गेनर महिंद्रा एंड महिंद्रा बना हुआ है। अच्छा उससे याद आया, पहले मैं महिंद्रा महिंद्रा गाबा सर चार्ट रेडी रखिएगा आपके पास आता हूं, और आपका प्रिफर ट्रेड नहीं लिया ओपनिंग का उसके बाद पहले वो टीजर दे दूं चार का चौका का, ताकि सारे पैनल को टाइम मिल जाए कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग का। चार का चौका स्क्रीन पर लेकर आइए आज का सस्ता ऑप्शन, शुभम बैठे हैं तो शुभम से जानेंगे, शुभम कोई बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन 9:40 के आसपास प्लीज तैयार रखिएगा। मिड कैप फंडा
होता साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, संजीव होता साहब। होता साहब स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में वो कुछ एक बढ़िया आपकी तरफ से एक मिड कैप पिक चाहिए सर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप आइडिया। एफएनओ सुपरस्टार समीत के पास जाएंगे आज। समीत को एक बढ़िया सा वायदा बाजार का पिक और चार्ट का चमत्कार पालविया साहब आपकी तरफ से। तो 9:40 के आसपास कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से वो व्यू ले लिया जाए। गाबा सर, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़िया चल रहा है, अगला कौन सा ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो आप पहले बता दो। लॉयल्टी थोड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा की ज्यादा ही अच्छी है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को ही प्रमोट करूंगा। मुझे अभी जो इनका कल के एक लॉन्च आ रहा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने पिक्चर्स देखे हैं, ले रहा हूँ यार, बहुत ही अच्छा लगता है। वो बिग एसयूवी करके प्रोमो चल रहा है वो स्कॉर्पियो का, लेने का मन बना रहे हो क्या? नहीं, अब तो एक थार अच्छी है, अब देखिए क्या होता है, लेकिन बुक करूंगा शायद। लेकिन फिलहाल मैं इनकी ईवी का इंतजार कर रहा हूँ, जब भी इनकी ईवी आएगी। वो इनकी एक है वो छोटी वाली रेवा, रेवा जो भी आएगी इनकी ईवी का जरूर। अरे ऑलरेडी है, मैं इमेज दिखाता हूँ प्रोड्यूसर साहब, रेवा का एक इमेज रेडी रखिए गावा सर के लिए। गावा सर ओपनिंग के बाद क्या पकड़ा था आशीष? हाँ वीरू, थार से उठा के रेवा बिठाएंगे। अच्छा, गावा सर कह रहे हैं ईवी चाहिए तो ईवी ऑलरेडी है उनकी। नहीं, जो अभी नहीं आने वाली ईवी इनकी, मैंने उसका टीजर देखा हुआ है, बहुत बढ़िया है। अच्छा गावा सर, ओपनिंग के बाद आपका ट्रेड? मेरा जो ट्रेड है इसमें वो बैंकिंग क्षेत्र से, वो है एक्सिस बैंक। अब ध्यान देना चाहिए एक्सिस बैंक, 670 का स्टॉप लगाइए, अपसाइड 690 पॉसिबल है एक्सिस बैंक। अच्छा वीरू ने डिवीज लैब की बात छेड़ी थी, वो स्टॉक फिर स्क्रीन्स पर आएगा। होता साहब क्या कर रहे हो आप लोग डिवीज में? बहुत तगड़ा करेक्शन कल, बहुत तगड़ा घुमा उसके ऊपर आज, मतलब ये दो दिन में 14-15% उड़ गया डिवीज से। सबको पसंद आती थी, रिटर्न रेशियो स्ट्रांग थे, कल कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद से ऐसा मूड बिगड़ा है स्ट्रीट का, सारे टारगेट्स रिड्यूस होते हुए लोगों को तमाम कंसर्न दिखने लगे हैं। क्या लग रहा है दिवीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे है या नहीं? इस तरह की वीकनेस में एक्युमुलेट करो या नहीं? मुझे नहीं लग रहा है एक्युमुलेट करना चाहिए, जिस तरह का फॉल आया है स्टॉक में पोस्ट द कॉन कॉल, हालांकि रिजल्ट तो बहुत अच्छे थे। एक दो चीज जो कंसर्न है कि मोनोपिनाविर जो है उसका सेल्स कम हो जाएगा और काकीनाडा का उनको अभी तक मिला नहीं है गवर्नमेंट से अप्रूवल, तो ये दो कंसर्न है। 15-16% गिरने के बाद और अभी देखें तो वैल्यूएशन में बहुत गिरावट आई है, तो मुझे लगता है ये एक्युमुलेशन लेवल पे आ गया है और यहाँ पे अगर कोई 12 से 15 महीने अगर निवेशक है तो यहाँ से एक्युमुलेट ही करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मुझे लगता है सेकेंड हाफ से ये रिकवर कर जाएगा, हालांकि एक दो क्वार्टर का थोड़ा सॉफ्टनेस रहेगा लेकिन सेकंड हाफ ऑफ FY23 में रिकवरी आ जाएगा अर्निंग पे। और 15-16% का तो फॉल अनवांटेड है इस स्टॉक में, तो शायद एक्युमुलेशन की जोन पर ये फ्री फॉलिंग है, ध्यान रखें इस समय वो गिरते चाकू को पकड़ने वाली बात वैसे जरा सा, लेकिन एक्युमुलेशन जोन जरूर हो सकता है। होता साहब का फंडामेंटली बाय कॉल बनता है। जोमैटो दिखाइए इस बीच भाई साहब, वो चलते चलते 17% का उछाल जोमैटो का स्टॉक डिलीवर करता हुआ, 17 या 18 हो गया है, इस तरह से टिक बाय टिक मूवमेंट आ रहे हैं। इसका डेटा कम है, लास्ट ईयर की लिस्टिंग है, तो फिर भी गावा सर तो दो दिन का डेटा पढ़ के बता देते हैं। गावा सर, ये जोमैटो आज बढ़िया चलना शुरू हुआ है। जोमैटो, यस जोमैटो चल तो रहा है, शायद यहां से एक एग्रेसिव बाइंग बन सकती है। 60 का स्टॉप लगाइए, अपसाइड थोड़ा 75-80-90 तक जाने की संभावना है, लेकिन 80 में एक बार जरूर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। 90 में तो बहुत ही रेसिस्टेंस है जोमैटो में, लेकिन एक बार जरूर ले सकते हैं प्योरली एज अ ट्रेडिंग बैट जोमैटो। जोमैटो 66-65 पर देखिए पोस्ट अर्निंग्स। आप आशीष मुबारक हो, आज आपने टीम में से लॉन्ग साइड पे लिया था, वेरी गुड, दैट्स गुड। 67 पर देखिए ट्रेड करता हुआ। अच्छा इस बीच देखिए मैं फिर कहूंगा कि हम इस कार्यक्रम को आशीष में जब संचालन कर रहे हैं इस वक्त बाजार में बहुत बड़े आप देखें तो बैट लेने का वक्त नहीं है, स्मॉल ट्रेड्स पर फोकस कीजिएगा। ये ग्रेसिन की कॉल बेहद शानदार रही थी, शॉर्ट कॉल थी, जरा वो जुबलिन की पुट लेके आइए। जुबलिन का पुट ऑप्शन जो था वो 470 का जो 6.20 रुपए पे स्क्रीन पे लिया था वो अब 10.50 पे ट्रेड करता हुआ। तर्क संगत यही है कि अच्छे अच्छे स्विंग्स को प्रॉफिट्स को आप कैश में कन्वर्ट करें। अभी 620 पे थी, अब 1060 पे आप देखें स्क्रीन पे जाके एक स्विंग बड़ा दे चुकी है। और क्या स्विंग दे सकता है
कोलैप्स क्या क्या हो रहा है या फिर काफी आप देखें स्ट्रॉन्ग साइड पे क्या खड़ा हुआ है। चंबल डी हाइपरकेटेड करता हुआ अभी अगर आप देखें यहां पर जिक्र किया था कविता जी ने इट्स डूइंग वेल। कोरोमंडल समित ने मेंशन किया 966 पे। अगेन मेरी थीम यही है कि मैं शॉर्ट और छोटे छोटे अगर आप देखें ट्रेड्स पे फोकस करूंगा। एक बार नवीन फ्लोरिन लेके आइए 3744 पर। शुभम आपको याद होगा वो पॉज डे 6 मई का, 6 मई 9 मई 10 मई और उसके बाद 11 मई में एक बड़ा अच्छा स्विंग जनरेट किया था। 3744 मेरे स्क्रीन पे भाव है इस वक्त 200 डीमा को रीगेन कर रहा है। क्या इसमें एक 150-200 पॉइंट का स्विंग टुवर्ड्स 3850 पॉसिबल लग रहा है आपको? विरेंद्र जी ब्रॉडली अगर देखें तो नवीन फ्लोरिन एक रेंज में बना हुआ है जहां पे लोअर एंड लगभग 3650 के आसपास का है। तो लोअर एंड से एक बार यहां पे रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें मीन रिवर्जन के लिए एक ट्रेंड बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा पोजिशनल ट्रेड होगा। मुझे लगता है 4-5 दिन के पर्सपेक्टिव से इसमें ट्रेड बनाना चाहिए और 3950 तक का इसमें टारगेट एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है और 3640 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एक लॉन्ग ट्रेड नवीन फ्लोरिन पे इनिशिएट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, पोजिशनली एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। ग्रासिम और अदानी पोर्ट्स ये दो निफ्टी की कंपनीज के आज नंबर्स आने। ग्रासिम में तो एक बढ़िया सेल कॉल और टारगेट हिट होता हुआ नजर आया था वो वीक। अदानी पोर्ट्स पे एक चेक ले लिया जाए कैसा पोजिशन ये नंबर्स से पहले नजर आता है, उसके बाद चार का चौके की शुरुआत करनी है उसका भी समय सामने खड़ा है। समीर आप देख दीजिए अदानी पोर्ट्स। देखिए अदानी पोर्ट्स की बात करें तो ये स्टॉक में काफी एक मैसिव करेक्शन रिसेंटली आया है, थोड़ा स्टेबल हो गया है 700 के आसपास, बट अभी भी यू नो ये स्टॉक में एक 780 के आसपास काफी एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक ये जो उसकी रेंज है थोड़ी वाइड है, क्योंकि हाई बीटा काउंटर है तो रेंज भी थोड़ी वाइड होगी। 780 से लेकर 720-700 ये उसकी रेंज है और जो भी इसमें अभी स्ट्रेंथ आनी वो 780 के ऊपर ही आएगी, तब तक हमें नहीं लगता कोई ज्यादा बड़ा एक्शन स्टॉक में इमीडिएटली होगा। अदानी पोर्ट्स, चलिए अब शुरू करते हैं यहां से हमारा खास सेगमेंट चार का चौका और इसमें आज हम तीन श्रृंखलाओं में ट्रेड लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस खास सेगमेंट की और इसमें लेंगे आज सस्ता ऑप्शन सबसे पहले ट्रेड। और शुभम क्योंकि इस कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं सीधे कैनरा से, उनसे लेते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। शुभम बताइए इस वक्त एक रीजनेबली प्राइस्ड ऑप्शन इंट्राडे स्विंग के लिए, कोई बहुत अगर देखिए बड़ी कॉल ले रही है हमें इंट्राडे स्विंग के लिए बताइए कोई ऑप्शन जो कि बहुत स्ट्रॉन्गली प्राइस्ड हो। वीरेंद्र जी एक बिकवाली की सलाह है आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और ऑरोबिंदो फार्मा को अगर हम देखें तो वहां पे एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है और पूरे फार्मा स्पेस में से अगर हम देखें तो ये स्टॉक काफी वीक भी रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें एक हमें पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। तो 540 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है ऑरोबिंदो फार्मा का, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ अगली सीरीज के लिए, तो अगली सीरीज का ऑप्शन भले इंट्राडे हम करें लेकिन अगली सीरीज का हम ऑप्शन यहाँ पे खरीदेंगे। 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें 30 रुपए तक का लक्ष्य होगा और 17 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो अरबिंदो फार्मा का 540 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन पे खरीदारी करें। शुभम ये 22 पे ट्रेड कर रहा है, इट्स स्लाइटली आई थिंक इलिक्विड, स्टिल आप जाना चाहेंगे इसके साथ? मेरे ख्याल से लिक्विडिटी नहीं है शुभम यहाँ पे। अगर आप 540 अगर इसी मंथ का दे दे तो क्या दिक्कत की बात है, अगर अलाउ करें तो बिल्कुल, तो उस केस में करंट सीरीज भी ले सकते हैं। करंट सीरीज का भी अगर हम देखें तो 540 के ही पुट के साथ में जाना चाहिए जो एट द मनी है और 7.50 रुपए के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है, प्योरली इंट्राडे ट्रेड है तो 5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 13-14 रुपए तक का टारगेट हो। ओके ये अगर आप देखें ज्यादा रीजनेबल लग रहा है, वहां थोड़ी लिक्विडिटी का कंसर्न था शुभम, माफी चाहूंगा मैंने आपको अगर आप देखें यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन यस 860 पे अगर आप देखें यहां पर आप ये पुट ऑप्शन दे सकते हैं। अंडरलाइंग अगर आप देखें बात यह है कि ऑरो में वीकनेस है और इस वीकनेस को आपको पुट के जरिए पे करना है। इट्स 830 नाउ, 540 का पुट ऑप्शन और विंडो फार्मा के लिए 548 पे ट्रेड करता हुआ और विंडो डे लो पर, और आप समझ लीजिएगा कि अगर आप चार्ट को रीड करना चाहते हैं तो 27 अप्रैल 2020 के बाद की अब तक की पूरी रेंज ये स्टॉक वॉलेट कर चुका है। ऑप्शन ट्रेड 540 पुट ऑप्शन जून और विंडो फार्मा, चार्ट के चमत्कार राजेश पालविया। राजेश जी बताइए क्या चेस करेंगे आप? राजेश जी
या सो विजयन जी, कैश सेगमेंट से स्टॉक यहाँ पे फोकस में चार्ट के सेटअप के हिसाब से इंड्योरेंस टेक, ये स्टॉक में अगर हम देखें तो वित्तीय सेटअप के हिसाब से 8 से 10 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में डेली सेटअप के हिसाब से भी कल के सेशन में भी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा था, हमें लगता है ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ, तो इंड्योरेंस टेक पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 1305 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 1340 से 1350 तक के, करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा इसमें करीब 1285 का, तो इंड्योरेंस टेक बाय करने की सलाह रहेगी। एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजी आपकी बाय करने की राय है, आपके बोलते बोलते काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग, 1305 पे स्कीम पे गया, 1308, 1310, 1313 आपके स्कीम पर, इंट्राडे जो हाई है याद रखिएगा फर्स्ट टिक का हाई है वो है करीब करीब 1327, तो वहां तक की, और उसके उस जोन को पार करता है तो याद रखिएगा एक स्विंग आ सकता है 1340 तक का। दो ट्रेड्स हो गए, अरविंदो फार्मा पुट ऑप्शन, एंड्यूरेंस टेक चार्ट का चमत्कार, F&O सुपरस्टार में आप देखिए आज समित चौहान जी से बात करेंगे। समित बताइए आज का F&O सुपरस्टार डेरिवेटिव्स में बहुत स्ट्रॉन्गली पॉइज्ड स्टॉक कौन सा लगता है आपको इस वक्त? देखिए क्लियरली अगर पॉजिटिव साइड पे मैं कोई स्टॉक देखना है तो बैंकिंग में फिलहाल तो आपको फोकस करना है, कोटक करना कहीं 200 एवरेज के आसपास अटक रहा है, बट इंडसइंड बैंक हमें लास्ट 3-4 दिनों से अगर हम देखें जब भी मार्केट में थोड़ी रिकवरी आती है बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी रिकवरी आती है, ये स्टॉक का थोड़ा आउट परफॉर्मेंस उन्होंने दिखना स्टार्ट होता है, हालांकि 930 का रेजिस्टेंस है, बट जैसे लास्ट 3-4 दिनों की इसकी प्राइस शेपअप है हमें लगता है कि 930 का ब्रेकआउट उसमें बहुत जल्दी आ सकता है, तो इसलिए हम प्रेम करना चाहेंगे। इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स में अभी 913 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, 892 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह होगी और लगभग इसका टारगेट 955 से लेकर 960 का होगा। हाफ का अगर देखे तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक, एक सेकंड में लिख लेते, यहाँ पे समित चौहान जी का है इंडस स्कीम पे गया है ये 913 पे प्लस। ओके जरा मैं अपडेट दे दूं ट्रेड्स के, वो अरविंदो की पुट 860 की अभी भी आप देखें 1050 का स्विंग लेके आइए, याद रखिएगा इस सेगमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव यही है स्विंग्स को पकड़ना, यहां हम कोई बहुत लंबी बैठ की बात नहीं कर रहे हैं, वो 1050 का हाई लगा के आइए। एंड्योरेंस टेक 1312 पे, और एंड्योरेंस टेक्स के बारे में अपडेट है कि इट्स नाउ टचिंग और इवन आई थिंक किसिंग इट्स 100-day exponential moving average, तो एक major level कटने के कगार पे इस stock में है। Put option अब हो गई 10-25 की, और समित जी ने अगर आप देखें यहाँ पे वकालत की इंडस इन बैंक की, और इंडस जो है वो इस वक्त अब समझ लीजिएगा कि डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ 913 पे, 955 का लक्ष्य यहाँ पर है। संजीव होता साहब आज का मिड कैप फंड बताइए क्या ग्रिप करेंगे आप आज मिड कैप में? मेरा जो पिक है वो है पीआई इंडस्ट्री, Q4 का नंबर थोड़ा सा मिक्स्ड आया है इसका, लेकिन ऊपरी स्तरों पे देखें तो 3500-600 लेवल से अभी गिर के 2640 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है 18-20% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, मार्जिन भी मेरे को लगता है कि इंप्रूव हो जाएगा FY23 में क्योंकि इन्होंने रेट हाइक लेने का फैसला किया है, ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले में आएगा, और जिस तरह के प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं 6-7 कमर्शलाइज हो जाएंगे FY23 में तो उसकी वजह से भी मार्जिन इंप्रूव होंगे। कैपेक्स प्लान की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 900 करोड़ का कैपेक्स प्लान है FY23 और 24 में, और कंपनी का बैलेंस शीट और कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, और कंपनी देख रही है कि कोई पोटेंशियल एक्विजिशन कर ले फार्मा स्पेस में, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है पीआई इंडस्ट्री के लिए। वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट जोन में आ चुका है गिरावट के बाद, तो यहाँ पे निवेशक ले सकते हैं एक 12-15 मंथ्स का टारगेट के लिए अराउंड 3300 का। ओके 3300 तक के अगर आप देखें यहाँ पे लक्ष्य होंगे पीआई इंडस्ट्रीज आपके स्क्रीन पर, एक बार देखे आते हैं, और यस डे हाई की डिरेक्शन में सॉरी डी लो से रिकवर होकर अगर आप देखें करीब मात्र 16 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ, स्विंग अच्छे मिले हैं हमको, और ये चारों के चारों स्टॉक्स में आपका जिक्र एक बार फिर से कर देता हूँ। याद रखिएगा पीआई इंडस्ट्रीज की इस बार क्वार्टरली अर्निंग्स जो आई थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, और उस अर्निंग्स के बाद इस स्टॉक ने मूव भी काफी अच्छा खासा दिया था। चार्ट आज का सस्ता ऑप्शन आज शुभम अग्रवाल जी ने के सौजन्य से आया, और ये था अरविंदो फार्मा का पुट ऑप्शन 540, याद रखिएगा हमें मई का ट्रेड करना है नॉट एग्जैक्टली इन जून,
उसके बाद चार्ट का चमत्कार आज दिया था राजेश पालवे जी ने, एंड्यूरेंस टेक ये आपको बाय करना है और स्ट्रेंथ आ रही है ग्रेजुअली, अब नाउ इट्स एट 1340, दैट मींस अपना 100 एक्सपोनेंशियल गिरज काट था हुआ। उसके बाद एफएनएस सुपरस्टार समित चौहान इंडसइंड बैंक पे, और साथ ही साथ संजीव होटा साहब ने आज पीआई इंडस्ट्रीज की वकालत की है मध्यम अवधि के लिए खरीदने के लिए 3300 के लक्ष्य के लिए। आशीष ओके, बढ़िया, ये चार पिक्स चार का चौका के तौर पे। इस वक्त वो जो दोनों लिस्टिंग्स का बेसब्री से इंतजार है वो सेटल होती हुई। डिलीवरी 487 का इश्यू प्राइस, बीएससी पे 493 पे सेटल, यानी कि इश्यू प्राइस के आसपास 6 रुपए ऊपर खुलने की तैयारी। खराब नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि डर था कि डिस्काउंट पे शायद डिलीवरी लिस्ट होगा, ऐसा नहीं हुआ है, अपने इश्यू प्राइस के आसपास ही, थोड़े से ऊपर ही आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 495 एनएससी का है, मैंने 493 देखा बीएससी का, ठीक है। डिलीवरी की दरअसल 1.6 या 1.65 गुना ही आईपीओ भरता हुआ नजर आया था, जिसमें क्यूआईबी ने दरअसल ड्राइव किया। एचएनआई का तो 0.3 टाइम्स कोटा, रिटेल का आधा परसेंट कोटा भरा था, 0.5 टाइम्स कोटा भरा था, अंडर सब्सक्राइब था बाकी सारी पॉकेट्स में, आखिरी दिन क्यूआईबी ने 2.5 गुना भर दिया, इसीलिए सेल थ्रू कर गया, लेकिन आज इश्यू प्राइस के आसपास लिस्ट होगा। वीनस पाइप जिसको ज्यादा बेहतर रिस्पांस मिला था, हालांकि छोटा इशू है, बहुत ध्यान रखिएगा, 165 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आए थे। वीनस पाइप 326 रुपए की इश्यू प्राइस के सामने 337, 3.5% प्रीमियम, ये भी कह लीजिए इश्यू प्राइस के आसपास ही खुलता हुआ नजर आएगा। 16 टाइम्स दरअसल ये सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल इसमें 19 टाइम्स भरा था। देखते हैं दोनों ही आईपीओ का परफॉर्मेंस 9-10 बजे जब लिस्टिंग होगी उसके बाद कैसा रहता है, उसके बाद आस्था से भी इन आईपीओ इन लिस्टिंग्स पर दरअसल चर्चा भी आगे कर लेंगे। और बिंदु की वीकनेस जो शुभम मेंशन कर रहे थे बढ़ रही है, 2-2.5% के आसपास की कमजोरी, लेकिन इस समय एक स्टॉक और जरा पावर ग्रिड को स्क्रीन पे दिखाइएगा। पावर ग्रिड के रिजल्ट्स तो हम कल रिएक्ट कर रहे थे, पावर ग्रिड इस समय 2% से ज्यादा का अपटेक, अचानक अच्छा मूव वापस बनता हुआ और अच्छी तेजी पावर ग्रिड में देखने को मिल रही है। पालवे साहब जरा पावर ग्रिड का चेक दीजिएगा। तो आशीष बिल्कुल, देखिए स्टॉक में जो डिप मिली थी वो ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के पास से स्टॉक में सपोर्ट लेके बाउंस जरूर बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में जो वापस से पुलबैक बना है ये 233-234 ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, वहां तक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, लेकिन इसको उस लेवल पे रिव्यू करना जरूरी क्योंकि वो एक सप्लाई जोन बना हुआ है स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे। तो करंट लेवल पे जिनके पास भी लोअर साइड का पोजीशन है अभी 227 स्टॉप लॉस ट्रेल करके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, 233-234 अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। देखिए मैसिव शॉर्ट बिल्डिंग है, अब तो 4.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, पीवीआर में आज शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, 4-4.5% वायदा में दबाव के साथ पीवीआर, क्या हुआ सतपुते साहब, आपने नहीं देखी क्या वो भूल भुलैया 2? मुझे अच्छी भी लगी, टाइम पास हो गए, लेकिन पीवीआर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट रिवर्सल है, 1800-1850 के आसपास यहाँ पे टेक्निकल लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और यहाँ से रिवर्सल होगा, प्रोबेबली 1900-1950 का टारगेट दिखा रहा था, लेकिन जिस तरह से ये रिवर्सल है दैट इज कॉल्ड एज अ विप्सॉ, और विप्सॉ के हिसाब से अगर सोचे तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो 1700 का होगा, और 1700 टूटता है तो थोड़ा फिर सीन थोड़ा बदलेगा पीवीआर का, जो हम बाय ऑन डिप करते हैं तो 1700 टूटता है तो फिर इन दैट केस 1650 तक का मूव तो आराम से आ जाएगा। तो पीवीआर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है आज वीकनेस रहेगा, तो अगर शॉर्ट करना है तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, छोटा स्टॉप लॉस रखे 1780 का, सेल करे पहला टारगेट 1700, वो टूटता है तो 1650। बिल्कुल ठीक है, मूवी मैंने भी देखी, वैसे कंपेयर कोई जरूरत नहीं है पिछली वाली से, कोई लेना देना नहीं है, और मूवी अपने आप में अच्छी एंटरटेनिंग मूवी है, लेकिन पीवीआर इस समय दबाव में 70-80 रुपए की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। समीत का कोरोमंडल बढ़िया कर रहा है, अब 4.25% के उछाल के साथ इस समय कोरोमंडल में कामकाज होता हुआ। फिर से डॉक्टर लाल पैथलैब्स और कमजोरी की तरफ, और आज फिर से 0.3% के दबाव के साथ इस समय कामकाज होता। साहब ये डॉक्टर लाल, ये मेट्रोपोलिस, इनसे दूरी होगा आप लोग भी, इसमें भी अच्छा खासा करेक्टिव मोड आ चुका है। नहीं मेरे ख्याल होता नहीं होंगे, होता साहब है नहीं, मेरे ख्याल समीत से ले लिया जाए। समीत ये आप देखिए जरा,
अरे यार समित भी डायरेक्टर साहब, आप जो जो नाम ले रहे हो आप बोलो, नहीं है नहीं, सबके कनेक्शन में इशू है, बोले आगे देख लो जो है वो यही है। तो कविता जी बहुत देर से कविता जी से चर्चा नहीं हुई, कविता जी आप ही देख दीजिए डॉक्टर लाल। सी आशीष जी, लाल पर प्लान में वीकनेस कंटिन्यूस है और फिलहाल आज वापस रिपोर्ट दिख रही है नीचे की तरफ, मुझे लगता है 1900 के लेवल भी ब्रीच होते हुए देख सकते हैं। इमीडिएट जो सपोर्ट आ रहा है वो 1898 पर आ रहा है, मंस अगर वो ब्रीच होता है तो ये फर्दर स्किप होता हुआ देख सकता है 1850 के लेवल्स की तरफ। सो इमीडिएट सपोर्ट 898 की तरफ दिख रहा है, सप्लाई वहां तक जाते भी दिख सकते हैं। बंटे अगर पोजिशनली किसी का शॉर्ट है तो 1955 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 1898 के नीचे अगर जाता है तो फर्दर वीकनेस बढ़ते भी दिख सकती है 1860। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की बोर्ड मीट थी, उसका अपडेट सामने आता हुआ। आज बोर्ड मीट थी फंड रेजिंग पर, तो ये लोग इक्विटी शेयर्स और वॉरेंट्स दिखाई, एबीएफआरएल का स्टॉक, और मानस को दिखाई इस बीच में, क्योंकि मानस कई बार ट्रैक करते हैं इसको। ये जीआईसी को दरअसल शेयर्स और वॉरेंट्स जारी करने की तैयारी करते हुए प्रेफरेंशियल बेसिस पे, तो जीआईसी सिंगापुर के पास ये चंक जाता हुआ नजर आएगा, उसकी बाकी डिटेल्स स्क्रीन पर आगे आएंगी, अभी पास यही डेवलपमेंट है। और ये जीआईसी को 288.75 रुपीज 75 पैसा 288 पकड़ लीजिए, 288 पर ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता हुआ नजर आएगा, और कुल मिलाकर 2200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। तो अच्छी खासी फंड रेजिंग और मौजूदा भाव से थोड़े से अपटेक के साथ। मानस क्विकली एबीएफआरएल देख के बताइए। 263 पे सपोर्ट है, 278 पे रेजिस्टेंस है, जब इसके बाहर निकले आइदर साइड पे तभी आपको कॉल लेना है, चांसेस ज्यादा है कि हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। 278 के ऊपर खरीदारी करिए, 272 के स्टॉप लॉस से कम से कम 295 रुपए के टारगेट के लिए। तो अगर आप देखें ये है इन स्टॉक्स पर व्यू, और एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं 10 का धंधा ट्रेड लेके, दो लिस्टिंग्स हमारा इंतजार कर रही हैं। आज हम रेस्टोरेंट सेक्टर पर बातचीत करेंगे, और आई थिंक ये जो सर्विस चार्ज का मुद्दा है इस पर बातचीत होगी आज खास मैनेजमेंट से, स्पेशली रेस्टोरेंट की, और साथ ही साथ स्काई मैक से बातचीत होगी मानसून की प्रोसीडिंग्स को लेकर, किस तरीके से भारत को रीच मतलब पहुंचेगा उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।